दुरूद शरीफ से स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। चलें जी, कोर प्रिंसिपल हमें पता है, स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, उसने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए 5 स्टेप मॉडल दिया है। हम यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं देखते, हम वन बाई वन सबको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले नंबर पे हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट। रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है 5 स्टेप मॉडल में, जिसमें हमारे पास पहला स्टेप क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पार्टी ए और पार्टी बी आपस में एक टेबल पे बैठे, दो पार्टीज हो गई, दोनों के राइट्स और ड्यूटीज, इसके जो राइट्स हैं इसकी ड्यूटीज हैं, इसके जो ड्यूटीज हैं इसके राइट्स हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि एक बंदे ने एक चीज डिलीवर करनी तो उसकी ड्यूटी है, ये दूसरी पार्टी का राइट बन जाता है। दूसरी पार्टी ने उसको उसके अगेंस्ट पैसे देना, वो उसकी ड्यूटी है, इसको पैसे मिलने, ये राइट बन जाता है। देन टाइम है, टाइम चेंज भी हो सकता है, और कंसिडरेशन की हमने बात कर ली। तो ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें पहला स्टेप है दोनों पार्टीज एक साथ टेबल पे बैठेंगी, चीजें तय करेंगी, क्या चीज होगी, क्या टाइम लाइन होगी, कितने पैसे होंगे। ओके, अब हम बात करें कि यार 5 स्टेप मॉडल है, ये पूरा होगा और पांचवें मॉडल पे, पांचवें स्टेप पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, ऐसे ही है। कभी कभी ऐसा होगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, फिर क्या करेंगे, फिर ये तो वैसे ही टीम फौत हो गया। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक बंदे ने काम करना है, दूसरे बंदे ने पैसे देना है, जिस दिन ये दोनों काम हुआ उस दिन रेवेन्यू बुक कर ले। क्या ख्याल है, बात समझी, जिस दिन दोनों काम हुए उस दिन रेवेन्यू बुक कर लें, क्या ख्याल है? Yes, sir. डन हो गया। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दोनों पार्टीज बैठी, दोनों के दरमियान चीजें तय ही नहीं हो सकी, लेकिन काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके अंदर अगर इस तरह का ऑप्शन हो गया एनी वन कैन कैंसल, तो इसका भी मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और पैसे वगैरह दे दिए, एक पार्टी ने पैसे दे दिए, आगे काम नहीं हुआ या डिले हुआ, तो भाई वो पैसे उसका रेवेन्यू, मतलब क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक बंदे ने पैसे दे दिए, दूसरे बंदे ने चीज देनी है, जैसे दो काम होंगे ये दोनों रेवेन्यू है, उसमें जो पैसे दिए हुए वो नॉन रिफंडेबल होंगे। तो आपको ये थ्योरी के लिए, एमसीक्यूज के लिए और बड़े क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने तीन चीजें डिस्कस की, 1, 2, 3, क्या ये बातें याद रहेंगी? Yes, sir. ये तीसरी बात एक बार ज़रा रिपीट कीजिएगा। भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों पार्टीज के दरमियान, आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं जी 10 कारें लेनी है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपके लिए कारें मैन्युफैक्चर कर लेता हूँ महीने के टाइम में, महीने के एंड पे आप कहें जी मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, बदतमीजी नहीं हो जाएगी? तो इस तरह का ऑप्शन अगर हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो इसका मतलब है भाई कॉन्ट्रैक्ट लीगली एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ आई? ओके सर, देन फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना कि क्या करना है? हाँ जी, फिर क्या करना है अगर नॉन रिफंडेबल है तो? वो देखें कंडीशन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसमें क्या होगा, एक बंदे ने एक ड्यूटी परफॉर्म करने, दूसरे ने पैसे देने, जिस दिन दोनों काम होंगे उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। नो कॉन्ट्रैक्ट में यही सिनेरियो फॉल करेगा, समझ आई? ओके सर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या तो बन ही नहीं सीखा, बना है तो उसमें ये ऑप्शन है, तो इसका मतलब भी है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर दोनों पार्टी ने अपने अपने काम परफॉर्म करने, जिस दिन दोनों काम परफॉर्म होंगे उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में कोई सवाल? नो सर। ओके, अब हम आते हैं दूसरी स्टेज पे, दैट इज कंबिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज याद रखिएगा, पार्टी ए है, पार्टी बी है, अगर ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, और अगर कोई सी हो, जब पार्टीज अलग अलग हैं वो तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है ही है, मानते हैं कि नहीं मानते?
एक अभी के साथ, एक असी के साथ, हो सकता है बी का डी के साथ हो। जब पार्टी अलग अलग है तो कॉन्ट्रैक्ट तो अलग अलग है ही, ये बात क्लियर है? Yes, yes. जी सर। सवाल ये है कि ए और बी हो, क्या इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या एक कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों सेम पार्टीज हो। इसमें आपने ये देखना है, अरे यार ये जो मैं क्रक्स बता रहा हूं, आपने ये ध्यान में रखने से आपका काम हो जाएगा। अगर तो ये इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि एक आपने कॉन्ट्रैक्ट जो पकड़ा है उसके अंदर एक और काम है, एक कॉन्ट्रैक्ट में एक काम है, दूसरा उसी उसी डिस्कशन में दूसरा काम भी है, अगर वो काम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यस, तो वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर हो। एक ही पार्टी की बात करो मैं, जब ए ने बी के साथ, ए ने डी के साथ, ए ने ई के साथ किया, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं ही। सवाल यहां पे आता है कि अगर ए और बी ही हैं, बी ने ए से एक काम करवाना है, बी ने ही ए से दूसरा काम करवाना है, तो हमने देखना है क्या वो काम इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ऐसा नहीं है तो उसी पार्टी के साथ दो कॉन्ट्रैक्ट है, कि ये बात याद रहेगी। अब इंटरडिपेंडेंट की मिसाल, बड़ी जबरदस्त मिसाल, वॉल और ब्रिक्स। मैंने दीवार बनवानी है और उसी से मैंने ईंटें लेनी है, क्या दीवार बनवाना ईंटें मंगवाने के साथ इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, मैंने एसी लेना है, मैंने फ्रिज लेना है, क्या ये इंटरडिपेंडेंट है? नो no. तो एक ही पार्टी के साथ मेरे दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये आपने याद रखना है। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे? अगर वो चीजें इंटरडिपेंडेंट नहीं है तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। फिर हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। तीन चीजें हमने डिस्कस की रही है। कॉन्ट्रैक्ट जो पहला स्टेप है उसमें है एक सिंपल, दो पार्टीज आपस में बैठी, इसी के अंदर मैंने नो कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कस किया। देन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, देन मोडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो हमें तीनों का पता होना चाहिए कि सिंपली क्या कॉन्ट्रैक्ट है, नो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दूसरा क्या एक ही पार्टी के साथ दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो इंटरडिपेंडेंसी की बात करेंगे। मोडिफिकेशन, मैंने एक पार्टी से 50 लैपटॉप खरीदे 1000 रुपए के हिसाब से, उसने मुझे 10 लैपटॉप डिलीवर कर दिए, बाकी कितने देने उसने? 40 देने। इसका मतलब हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट तो बना हुआ है, राइट? मुझे वो कंप्यूटर पसंद आ गया, मैं कहता हूँ यार 100 और चाहिए। अब ये जो 100 और चाहिए, इसको देखना है क्या उसने वो जो अब 100 कंप्यूटर है मार्केट का रेट दिया है या स्पेशल रेट दिया। मार्केट रेट के रेट को स्टैंड अलोन प्राइस भी कहेंगे। अगर तो मार्केट का रेट है तो भाई ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मार्केट का रेट नहीं है स्पेशल है, तो जो पहले कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसको मॉडिफाई करें। बात समझ आई? तो स्पेशल मतलब जो पहले के लिए लगाया है, मतलब या? नहीं, 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 स्पेशल मतलब आज मार्केट में रेट 1500 का है, आपको 1300 पे दे दो, क्योंकि आप पहले वही चीज उससे ले रहे हैं एक रेट पे। मैं पहले 50 कंप्यूटर ले रहा था 1000 रुपए के हिसाब से, उसने 10 दे दिए, 40 अभी मैंने उसी कॉन्ट्रैक्ट में लेना है। मैंने 1500, मैंने 100 और ऑर्डर किए, अब क्या ये 100 आज का रेट 1500 है, क्या उसने मुझे 1500 पे दिए 1500 से कम पे दिए? अगर 1500 से कम पे दिए तो स्पेशल कर दिया, अगर मार्केट का रेट है फिर तो भैया मैं कहीं से भी उठा लू, ये मेरा अलग कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब सर मार्केट प्राइस के अलावा बाकी सारे? नहीं, मार्केट रेट से ज्यादा भी हो सकता है, कहने का मतलब है कि क्या आपके लिए कोई प्यार मोहब्बत की है कि नहीं की। अगर प्यार मोहब्बत की है तो फिर जो पहले कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो मॉडिफाई होगा। अब उसमें क्या होगा, जो बैलेंस क्वांटिटी पड़ी है पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वो कितनी थी? 40, और रेट क्या था? 1000, टोटल कितना हो जाएगा? 40,000। न्यू कितनी है क्वांटिटी? हाँ जी, 100, 1300, 1300, 2 सिफर, ऐसे हो गया 1,30,000। इसको टोटल कर लें, इसको टोटल कर लें, टोटल को टोटल पे डिवाइड कर दें,
अब जो रेट निकलेगा कितना है देखना जरा मेरा कैलकुलेटर कितना। हाँ जी 1,70,000 इनटू 1,40,000 1,214 का। अब जो भी डिलीवर होगा वो इस रेट पे होगा। अगर ये मार्केट रेट होती तो 40 एक कॉन्ट्रैक्ट में थे, 100 दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएंगे, जिसमें से डिलीवर होगा वो रेट लगेगा रेवेन्यू के लिए। तो सिंपल कॉम्बिनेशन मॉडिफिकेशन, इससे में कोई कंफ्यूजन। कॉन्ट्रैक्ट स्टेप नंबर वन में किसी को कोई कंफ्यूजन? स्टेप नंबर वन कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन? स्टेप नंबर वन कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ओके सिंपल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है या ज्यादा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है ज्यादा है, देन मॉडिफिकेशन। ओके अब हम आते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप बड़ा ही आसान है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हमें पता है मैं पार्टी के साथ कांटेक्ट करता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ यार मैं आपको ये 3-4 चीजें मेरी ड्यूटी है मैंने परफॉर्म कर। आप एक बात बताएं, दोनों के दरमियान अगर कांटेक्ट है तो उस कांटेक्ट के अंदर ड्यूटीज एक से ज्यादा हो सकती है ना? यस पॉसिबल है सर। बिल्कुल पॉसिबल है। अब हमने ये देखना है उस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी ड्यूटीज हैं। क्यों देखते हैं कि जब वो ड्यूटी परफॉर्म होगी तो उसका रेवेन्यू बुक करना है। ए परफॉर्म होगा तो ए का, बी सी का। अब देखना है क्या वो ड्यूटी अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। अलग अलग का मतलब डिस्टिंक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ कार फोर पे, कार फोर हाइपर स्टार इम्तियाज अल्फ अल्फता जलाल सन्ज वट एवर कोई भी चेन है सुपर स्टोर की। मैं कहता हूँ एक एसी दे दो, 2 किलो दाल दे दो, एक शर्ट दे दो, एक जूता दे दो, एक मोबाइल दे दो। अब ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 5 चीजें अलग, पांचों की ड्यूटी जो ड्यूटी है जो ऑब्लिगेशन है वो अलग अलग है, सबका अलग अलग रेट है। और जैसे सारे डिलीवर होंगे अलग अलग उनके रेट्स के साथ उनका रेवेन्यू बुक हो जाएगा। क्या ऐसे ही है? हमने क्या देखना है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ड्यूटीज कितनी। कभी कभी ऐसा होगा कोई एक ड्यूटी दो एक ड्यूटीज ऐसी होंगी जिनका बेनिफिट एक साथ लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लैपटॉप लिया और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की सीडी भी ली। लैपटॉप में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चला सकता, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लैपटॉप के बगैर नहीं चला सकता। इसका मतलब ये एक साथ है, ये एक ड्यूटी है। तो बेनिफिट्स अगर आप एक साथ ले सकते हैं तो वो एक ड्यूटी होगी, अगर अलग अलग है तो वो अलग अलग ड्यूटीज होंगी। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स मोर देन वन पीओस। उस पीओस में देखना है क्या वो एक है या वो दो मिलके एक बन रहे हैं या वो अलग अलग है। दैट्स इट। ये इतना सेकंड स्टेप इतना। सर अगर जो बेनिफिट्स हैं वो टुगेदर भी ऑब्टेन हो सकते हैं और अलग अलग भी ऑब्टेन हो सकते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज नहीं हैं। नहीं 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 अलग अलग हो सकते हैं तो वो अलग अलग है, तो पीओ अलग है। जो इकट्ठा ही ऑब्टेन हो सकता है वो एक पीओ होगा। ओके सर। ऐ तो वही गल होगी ना कि मैं पाए ना वॉशिंग मशीन लिती है, मैं सर्फ लिता है, तो मैं उधर पावांगे तो उधर भी इस्तेमाल हो सकता है तो मैं हाथों नाल भी धो तो सकता है। ठीक है सर वो तो सर्फ ठीक है, जो तो यहाँ वो पे अलग लिखा अलग हुआ है ना, वो अलग अलग है, वो अलग यूज हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर विद सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडो वो अलग अलग नहीं यूज हो सकता। हमने इन चीजों को देखना है। जो अगर अगर अलग अलग आइडेंटिफाई होगा तो बात आसान हो जाती है यार, ये पीओ है, ये पीओ है, ये पीओ, ये चार चार मेरी ड्यूटीज हैं। दैट्स इट। ओके सर। जी दोस्तों भाई बुजुर्गों डन। दो स्टेप्स में किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को गलती से कुछ समझ तो नहीं आया होगा। जो मैं क्रक्स बता रहा हूँ सिर्फ वो ध्यान में रखना, सवाल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे नजदीक रेवेन्यू में जेड़ी सारे नालों औखी गल है वो है ट्रांजेक्शन प्राइस। वो क्या है? ट्रांजेक्शन प्राइस। वो जो ड्यूटीज थी, ड्यूटीज अलग अलग क्यों कर रहे थे हम बताएं? अलग अलग इसलिए ड्यूटीज कर रहे थे कि उनकी मैं अलग प्राइस देखूं, वो ड्यूटी मैं परफॉर्म करूं उस प्राइस से रेवेन्यू बुक कर दूं। जैसे 100 रुपए का कैलकुलेटर, 1,000 रुपए का एसी, 5,000 की मशीन, 10,000 का मोबाइल, ये अलग अलग डिलीवर हुआ, अलग अलग इनका रेवेन्यू बुक हो गया, अलग अलग ये स्टॉक आउट हो गया।
मैं ड्यूटी अलग अलग इसलिए देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कार बेची, वो एक अलग ड्यूटी है, उसका अलग रेवेन्यू है, फिर मैंने उसको साल उसको सर्विस देनी है, वो अलग ड्यूटी है, वो हर महीने ड्यूटी पर कंप्लीट होगी, उसका रेवेन्यू होगा। ड्यूटीज अलग अलग इसलिए देख रहा हूँ उनकी, सबकी प्राइस अलग अलग है, और जब प्राइस अलग अलग है वो ड्यूटी जब परफॉर्म होगी तो उसका रेवेन्यू बुक होगा, इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग ड्यूटीज देखते हैं। गलती से ड्यूटीज किसी को समझ आ गया तो वो बता सकता है भाई। आगे समझ सर, आगे समझ सर, एक बात क्लियर करवा कर दीजिएगा जरा। सर आपने कहा है कि जो अगर दो ड्यूटी दो परफॉर्मेंसेज हैं तो उनके बेनिफिट्स इकट्ठे ऑब्टेन किए जा सकते हैं, तो उसको वो एक ड्यूटी होगी, एक ड्यूटी होगी। यस सर, अगर आपने आगे बताया कि अगर उनको अलग-अलग भी परफॉर्म किया जा सकता है तो फिर वो दो ड्यूटीज होंगी, वो अलग अलग इकट्ठे भी किया जा सकता है अलग-अलग, फिर उसको नहीं नहीं वो अलग अलग ही है, जैसे मैंने आपको वॉशिंग मशीन और सर्फ की मिसाल दी ना, वो अलग अलग है, जो अलग यूज हो सकते हैं वो अलग है। ठीक है, वॉशिंग मशीन के अंदर ही सर्फ डलेगा ना, कपड़े धोएंगे, लेकिन सर्फ को मैं अलग हाथों से भी कपड़े धो सकता हूँ, कभी धोए ऐसे 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 करके भिगो दिए, फिर ये ब्रश मारा, फिर खंगाला, ऐसे होता है। जी सर, ओके ओके सर, ओके। ट्रांजेक्शन प्राइस, मैं जैसे अभी वही कारफोर की मिसाल देता हूँ, कोई सिंपल चेन बता दें जिसका सबको पता हो, कारफोर के वजह सबको ही पता होता है, कारफोर कर लें, इम्तियाज स्टोर कर लें, मेट्रो कर लें आप, जलाल सन्स कर लें आप, यूरो स्टोर कर लें, और कौन से हैं मशहूर, अलफता कर लें, और भी हैं कोई, कराची में हो सकते बहुत सारे हैं। ओके मैं जाता हूँ, मैंने ये मोबाइल खरीदना दुकान, जब मैं मोबाइल खरीदता हूँ मैं क्या कैश पे करता हूँ, राइट, इसका मतलब इस मोबाइल की एक प्राइस है जो मैं पे करता हूँ, वो प्राइस मैं पैसे भी पे कर सकता हूँ, मैं इन काइंड भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े हैं मैंने दे दिए, मेरे पास डिबेंचर्स है मैंने वो दे दिए, मेरे पास गोल्ड है मैंने वो दे दी, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर, इसका मतलब है पहली जो कंसिडरेशन है वो है फेयर वैल्यू, उस वो जो चीज मैंने दी उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जो चीज फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड की है उसका इंक्रीज डिक्रीज भी ईयर एंड पे होगा। लेट्स से कि आज मैंने 100 की बुक कर ली, 100 का रेवेन्यू है, साल के बाद 120 का हो गया, तो मैं इसको डेबिट करूंगा 20 से और P&L क्रेडिट कर। तो पहली जो ट्रांजेक्शन प्राइस है दैट इज नॉन कैश आइटम, जी क्या कहते हैं? नहीं समझ आई भाई, आपने जाके गाड़ी ली मार्केट से, हैं? यस सर। गाड़ी के अगेंस्ट आप पैसे देंगे? यस सर। गाड़ी के अगेंस्ट मैं प्लाट भी दे सकता हूँ? यस सर, दे सकते हैं। तो इसका मतलब है जब आप अदर देन कैश को चीज देंगे तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कैश होता तो कैश से डेबिट होता, 100 रुपए के मैंने शेयर दिए तो 100 रुपए के शेयर डेबिट कर लूंगा, 100 रुपए का मैंने प्लॉट दिया तो 100 का प्लॉट, 100 का गोल्ड दिया तो 100 का गोल्ड, क्या कहते हैं? मुश्किल बात है? नहीं सर, ओके समझ गया, ठीक है। ओके, अब जो चीज मैंने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड की है साल के एंड पे, उसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, मैं उसके इंक्रीज डिक्रीज ओके ओके सर ओके जी, ये हमारी पहली नॉन कैश। अब गेम शुरू होती है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। देखें आज मैंने सेल की, क्या ऐसा होता है कि मैं उधार पे पैसे दे दूं तो मैं रिसीवेबल डेबिट करके सेल्स क्रेडिट करूंगा? यस सर। अगर वही पैसे 2 साल के बाद मिलने हो फिर मैं क्या करता? करता तो मैं अभी उसमें भी यही हूँ, रिसीवेबल टू सेल्स रेवेन्यू, लेकिन रिसीवेबल जो आता है वो मेरा प्रेजेंट वैल्यू पे आता है। जी सर। ओके, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट यही है, हमने सेल्स कर दिए लेकिन पैसे आपको मिलने हैं और वो 1 साल के
टाइम से ज्यादा के बाद मिल रहे हैं, क्या कहते हैं? यस सर। मैं एंट्री करूंगा रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। रिसीवेबल किस चीज पे? अभी इसको इग्नोर कर दें, प्रेजेंट वैल्यू पे, क्या कहते हैं? साल बाद मुझे मिलने हैं 200 रुपए, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू 150, सॉरी 2 साल बाद मुझे मिलने हैं 200, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू 150। आप लोगों को याद होगा क्या हम वो करते थे अनवाइंड? यस सर, यस सर। तो मैं हर साल साल के एंड पे उसमें जाके इंटरेस्ट ऐड करूंगा, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। जब मैं उस टाइम पे पहुंचूं तो जो मैंने एक्चुअल लेने हैं मेरा रिसीवेबल उस अमाउंट तक पहुंच गया हो, फिर मैं क्या करूंगा? कैश मिलने के बाद सर? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। देखें, आज मेरा मुझे 2 साल के बाद 200 मिलने, आज इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू लेता हूँ, लेट से 150 बन गई, क्या मैं 150 से ये एंट्री कर दूंगा? Yes, 2 साल के बाद मुझे कितने मिलने? 200। मेरा रिसीवेबल उसी दिन 200 का होना चाहिए, आई नीड टू अनवाइंड दिस, क्या मैं ये एंट्री करूंगा? रिसीवेबल डेबिट इनकम इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, लेट से 25 से पहले साल के एंड पे 25 से, फिर दूसरे साल के एंड पे 25 पे, तो दूसरे साल के एंड पे ये 200 का हो गया, तो दूसरे साल के एंड पे मुझे पैसे मिलने रिसीवेबल क्रेडिट और बैंक डेबिट। ऐसे ही होता है अनवाइंड में? यस सर, ऐसे ही होता है। किसी को इस पे कोई इतराज? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रिसीवेबल डेबिट करना है या कॉन्ट्रैक्ट एसेट? अगर तो कोई कंडीशन अटैच नहीं है पैसे लेने के साथ तो रिसीवेबल, अगर कंडीशन अटैच है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट, और ये कन्वर्ट हो जाते रिसीवेबल में जब कंडीशन पूरी हो जाए। कोई भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन लग सकती है, पन ए गल करोगे तो मेरे वाले पैसे होंगे, यानी कि ये मुझे स्टॉक डिलीवर होगा तो पैसे आपको मिलेंगे, रिसीवेबल हो जाएंगे, क्या कहते हैं? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी जो ट्रांजेक्शन प्राइस हम कर रहे हैं, ये आपने चार, जैसे अभी हमने नॉन कैश वाली की है, ये हमारे टोटल 4 सिनेरियोज हैं। अगर आप लोगों ने ये समझ लिए तो फिर कुछ नहीं बचेगा जी। किसी को ये गलती से सिनेरियो समझ आ गया तो बता सकता है भाई। सर ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे जरा बता दीजिए। नहीं, जैसे रिसीवेबल वैसे कॉन्ट्रैक्ट एसेट, मतलब सर क्या एंट्री पास करेंगे इन उसको? भाई रिसीवेबल की जगह पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ जाएगा, या रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट एसेट, या रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट एसेट, या रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ओके सर, समझ गए, बस नाम चेंज कर देना जब कंडीशन। यस, और रीजन क्या? क्योंकि देखें, अगर कंडीशन है तो आप रिसीवेबल डेबिट नहीं कर सकते, बना ही नहीं, कंडीशन पूरी करेंगे तो रिसीवेबल बनेगा। यस, मेक सेंस जी भाई। इस पेज पे किसी का कोई सवाल? ट्रांजैक्शन प्राइस सर, फिर अगर कंडीशन मीट नहीं होगी तो फिर रेवेन्यू भी कैसे बुक होगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट पे? नहीं, रेवेन्यू तो बुक हो जाएगा, रेवेन्यू बुक हो जाएगा, कंडीशन पूरी हो जानी है ना। आप क्या आम लेने के लिए चीज बेचेंगे उसे? पैसे लेने के नहीं, चीज देनी है, पैसे लेने के नहीं लेने जी, लेने, सर, लेने ना, तो फिर जो उसमें है, देखें अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होने वाली तो आप डील ही नहीं करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। वो आपको कहे जी आप मुझे वो अमेरिका वाली गाड़ी मंगवा के दें, आप कहते ठीक है जी, अब गाड़ी आएगी तो रिसीवेबल बुक होगा, आप मंगवा ही नहीं सकते तो आप डील नहीं करेंगे। अब मंगवा सकते हैं तब डील करेंगे, आप कंडीशन लग गई आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनाएंगे, जिस दिन गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट एसेट खत्म करके रिसीवेबल में कन्वर्ट करते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे सर। नहीं, प्रोबेबिलिटी क्यों, जिस दिन कंडीशन पूरी होगी उस दिन कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट करें, रिसीवेबल डेबिट कर दें, प्रोबेबिलिटी क्यों, ये कंडीशन है। रेवेन्यू के लिए प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे वो पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, पूरी अमाउंट होगी ना यार प्रेजेंट वैल्यू पे, वो तो ठीक है। नहीं सर, मैं लॉजिक का पूछ रहा हूँ कि हमें प्रोबेबल है कि वो कंडीशन मेट हो जाएगी, फिर इसलिए अज्यूम करते हैं। यस 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 यस, देखिए आप मेरे मेरे पास आके बैठते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि यार ये 10 मरले पे मकान बनाना है और मुझे 2 महीने में चाहिए। आप मुझे बात बताएं, 2 महीने में अगर नहीं बनाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, आप उस काम को पकड़ोगे अगर आप 2 महीने में पूरा नहीं कर सकते? सिंपल सी लॉजिक है।
मतलब आपने बिजनेस करना है, आप अगर वो कर सकते हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट डन करेंगे ना, क्या कहते हैं? मतलब मैं फिर आहो मैं 2 करोड़ ला के बह जा मकान ते पूरा ना हो क्योंकि भैन केड़े पैसे या कॉन्ट्रैक्ट होया, 2 महीने पूरा करना सी ते पैसे मिलने से नस जाए तो ले जा अपनी इटा ते अपना सीमेंट। बात समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन है सर। अरे एक गल समझ आई पहले, ओए होली होली इसी ओए होली ओए होली रुक जा, जिसने ये सवाल पूछा उसको ये क्लियर हुआ? जी सर, जी सर। ओके अब सवाल अगला पूछो। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था, मैंने पूछना था सर के अगर क्वेश्चन में हमें ये बताया कि कंडीशन है रेवेन्यू के साथ, तो देन हमने ये अज्यूम कर लेना कि ये कंडीशन मेट हो जाएगी, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है आप मेरे पास, लेट से आप आते हैं सीएमएडीसी पे, ठीक है, आप कहते हैं जी 50,000 ले लो आतिफ अब्दी साहब से, मुझे क्लास करवा दो फॉर एग्जांपल। अगर आतिफ अब्दी मुझे टाइम ही नहीं देता, मैं आपसे कमिट कर सकता हूं? मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाऊंगा। अगर मुझे लगता है आतिफ अब्दी साहब आगे पढ़ाएंगे फिर मैं कमिट कर सकता हूं, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता हूं, मुझे पता है मैं कंडीशन पूरी कर लूंगा। हूँ गल समझ आई है? जी सर। ठीक है, लेट्स से दुबई में एक कॉलेज है, वहां पे स्टूडेंट्स आते हैं जी आप यहाँ पे आते हैं आपकी क्लास करवाएं, लाख लाख रुपया ले लें। वो कॉलेज वाला अगर तो उनको ला सकता है तो कांटेक्ट करेगा, नहीं ला सकता तो नहीं करेगा, क्या कहते हैं? जी सर। अब किसी के सवाल, सर अगर टाइम पूरा होने से पहले कंडीशन पूरी हो किसी डेट पे, फिर उस डेट को रिसीवेबल में कन्वर्ट कर देंगे या जब? नहीं नहीं, उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिसीवेबल में कन्वर्ट कर देंगे। सर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट, फिर बिजनेस दे विच होंदा है। हाँ जी क्लियर है सर। देखें जब तक आपका रिसीवेबल नहीं बनेगा पैसे नहीं ले सकते, इन शॉर्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिसीवेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्टली वैसे है, आप जाके कहते हैं आप गाड़ी लेते हैं कि यार ये ना इंजन में ये काम करना है, 400 की स्पीड पे दौड़े, आप मुझे बताएं। मैं उसने कहा 15 दिन बाद है, 15 दिन बाद मैं जाता हूँ, वो 300 की स्पीड पे दौड़ रही है, मैं तो नहीं दूंगा पैसे, क्यों दूंगा? जेड़ी गल मुक्की सी होते हुई नहीं। अच्छा दूसरा ये आप जाके शर्ट लेते हैं, आप कहते हैं कि यार ये शर्ट ये मेरी मेजरमेंट है, इसके हिसाब से मुझे शर्ट चाहिए, वो आपको शर्ट दे देता है और वो आप उसमें फंस गए हैं, तो आप तो नहीं देंगे पैसे? क्या देंगे? नो सर। इसका मतलब आप पैसे नहीं देंगे, और जिसने वो चीज डिलीवर करनी है अगर वो चीज वैसे डिलीवर नहीं करेगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे। इट मींस यू इफ यू वांट टू रिसीव द कैश यू हैव टू कन्वर्ट कॉन्ट्रैक्ट एसेट इनटू रिसीवेबल, और ये कैसे होगा? जो उसमें कंडीशन अटैच है वो होगी, और ये कब है? जब उसमें कंडीशन है, अगर कंडीशन नहीं है तो वो डे वन से रिसीवेबल है। अब ठीक है, और कोई गलती ना आज समझ तो नहीं आ गया? भरावो भैन क्लियर है सर? क्लियर पहले भी ऐसे पढ़ा हुआ है मजे मजे से, ऐसी खुली डुली एग्जांपल्स के साथ। सर मैं तो पढ़ा ही नहीं पहले। चलो समझ आ गया? जी सर आ गया भाई, हम रवीन क्लास में भी पूरा ही समझाते हैं, डोंट वरी। आगे समझ किसी की इस सिनेरियो में कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसी तरीके का एक और है, मैंने सेल्स कर दी पैसे मुझे मिलने हैं, मैंने अभी सिनेरियो पिया, मैंने सेल्स कर दी, मैंने चीजें दे दी थी। अच्छा जहां पे रेवेन्यू आएगा वहां पे कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री होगी अगर स्टॉक की सेल है। दूसरे सिनेरियो, मैंने पैसे ले लिए चीजें अभी नहीं दी और चीजें साल के बाद देनी है, पैसे ले लिए तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? निदा या सर ना बढ़ जाना परचेजेस डेबिट और पेबल क्रेडिट। ओ पाई सेल, ओ पाई मैं सर
चीजें ली है ना सर, पाई मैं बेचन वाला, मैं मेरा बिजनेस है, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करना, केड़ी परचेजेस? ओ सॉरी सर, गलती लग गई सर। सर सेल्स क्रेडिट केड़ी सेल्स चीजें दी थी ने? ओ पाई सिनेरियो, पैसे पकड़ लिए हैं, चीजें नहीं दी, केड़ी सेल्स? पहले 10 मिनट कैश डेबिट और अनइंटरन अन क्या कहते हैं उसको, जो जो भी लायबिलिटी क्रेडिट, सिंपल जी सर, लायबिलिटी परचेज डेबिट सेल अनअर्न्ड लायबिलिटी। पहले पहले जी एक मिनट का मौन वर्थ रखा जाएगा इस भाई के लिए। सर कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। आई कैप नहीं कंफ्यूज होता, वो उड़ाता है डायरेक्टर। मैंने अभी भी अभी स्टेटमेंट दी थी कि अगर आपने ये ट्रांजैक्शन प्राइस सीख ली तो आपके रेवेन्यू के सवाल हो जाएंगे, और हम करेंगे भी इंशाल्लाह। सर लायबिलिटी होगी, दो मिनट का कर लें, चलें। ये किसका था, किसके ऊपर हमने मौन वर्त रखा, ये बंदा कौन था, बंदे का नाम बताया जाए? सर मैं हूं अवैस। अवैस, अच्छा अगला सवाल। मैंने 100 रुपया ले लिया, उसकी एंट्री, मैं एंट्री किस पे करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, टाइम तो 1 साल ज्यादा। मतलब सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? साल मैंने 100 रुपए कैश कर लिया मैं अमाउंट, और साल के बाद मैंने 120 रुपए का स्टॉक देना है, एंट्री किस चीज पे करूंगा आज कैश की? डूब के मर जो, आज ही कैश लेता है तो वही वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू होगी। आज मेरे हाथ में 100 रुपए है तो आज 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही है। आप लोग वाकई पेपर देने में इंटरेस्टेड है ना भाई? आज मेरे हाथ में 100 रुपए है तो आज 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपया नहीं है? चलो प्रेजेंट वैल्यू तो फार्मूला ला लो, 1 × 1 + 10% रेज टू पावर 0 इंटरेस्ट रेट निपटाया इनटू 100 फाइन प्रेजेंट वैल्यू तो फार्मूला अभी लाओगे ना तो 100 दी वैल्यू 100 ही निकलेगी। करो जरा, आज मेरे हाथ में 100 रुपए है तो आज उसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू नहीं है जी सर। सोचना की सी वेचे दे निदा यासर, तो हमें बदनाम है हैं? नहीं सर वो सच्ची बदनाम है। वो आपने देखा उसका शोएब मलिक वाला क्लिप? जी सर देखा। शोएब अख्तर वाला, शोएब अख्तर वाला 1992 यस सर देखा। जी सर। वो फार्मूला 1 कार वाला भी देखा हुआ है? जी सर, तब चाय पीने का दिल कर पड़ा, अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, बैंक डेबिट रिसीवेबल तो नहीं होगा, पैसे मैंने पकड़ लिए, और लायबिलिटी क्रेडिट। अब मुझे एक बात बताएं, 2 साल बाद मेरी लायबिलिटी कितने की है? आज मैंने 100 रुपए पकड़ लिए, अनवाइंड करेंगे 2 साल बाद 120 की चीजें देनी, तो मेरी लायबिलिटी 120 की, तो जैसे रिसीवेबल 2 साल बाद 200 का लेना था और आज प्रेजेंट वैल्यू 150 थी, तो आज मैंने 100 रुपया पकड़ लिया लेकिन मेरी लायबिलिटी 120 की है, तो मैं 100 को अनवाइंड करूंगा, जो रिसीवेबल पे काम किया था वो यहाँ पे काम करूंगा। अब यहाँ पे रेवेन्यू नहीं था, रेवेन्यू यहाँ पे होगा, जिस दिन चीजें दूंगा उस दिन कॉस्ट ऑफ सेल टू स्टॉक भी होगा। हाँ जी, अब कोई गलती से समझ आ गया दोनों सिनेरियोस? डन सर। और कुछ समझ आ रहा है अल्लाह के बंदे हो? जिसने रेवेन्यू पढ़ा हुआ है क्या उसने ऐसे गलती से तो नहीं पढ़ा हुआ सर? क्लियर है, कहीं से पढ़ा हुआ है किसी ने? कोई फीडबैक ही दे दो, असी उथे ओदो नाल चंगा कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, माड़ा कर रहे हैं, हैं? तो कोई हूं हां कर दे। मुझे तो आपसे समझ आ रही है, तो मेरे लिए तो आप ही सही है, पढ़े ही आपसे। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, जिसने कहीं से पढ़ा हुआ है क्या कोई फीडबैक देना चाह रहा है? नहीं देना चाह रहे सर, यही फीडबैक है कि आप सबसे कंसाइज पढ़ाते हैं ना, कंसाइज कोई नहीं कंसाइज पढ़ाने में चीजें पूरी होती हैं कि डंडी मार जाता हूं, ये भी सवाल अहम होता है। कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, बात ये है कि उस पढ़ाने में क्या चीजें पूरी होती हैं जी, या सर। उस पूरी चीजों में डंडी मार जाता, लेट्स से कि 20 चीजें मैंने 5 पढ़ा दी, चलो जी हो गया पूरा, ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता? सर अभी तक आपने जो पढ़ाया उसमें तो ऐसा नहीं हुआ डंडी मारने वाला काम। चलो जी शुक्र है फिर तो। ओके जी,
कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर, एक बात बताएं सर, क्वेश्चंस पे जाके ही पता चलेगा मुझे अपना बाकी आपके एंड से लेवल है पैन, थोड़े एंड तो भी मैं आके लेवल कर सकता, थोड़े से तो मैं सवाल हल कर देना ठीक है, फिर लेवल हो सकता है। देखिये मैं गया कारपोर पे, क्या कभी ऐसा होता है वो कहें जी यार कार्ड बनवा लो, हर हजार पे, हर हजार की सेल पे 10% आपको लॉयलिटी पॉइंट्स मिलेंगे, और ये लॉयलिटी पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं, पैसे भी ले सकते हैं, चीजें भी ले सकते हैं, ऐसा होता है? होता है या नहीं होता है? हो सकता है क्या मतलब, होता है कि नहीं होता है, दसो, हो सकता है नहीं, होता है या नहीं होता ये बताओ। जी सर होता है। आप मेट्रो पे चले जाएं, आप कार फोर पे चले जाएं, आप इम्तियाज स्टोर पे चले जाएं, अल्फता जलालसन, सबका एक लॉयलिटी कार्ड होता है, उसकी एक परसेंटेज रखे हुए, किसी ने 2%, किसी ने 1%, किसी ने 0.5%, किसी ने 3%। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे पास कौन कौन सा, मेरे पास मेट्रो का है, इम्तियाज का है, कार फोर का है, हाँ सबका अपना अपना है, और कैलकुलेशन का अपना, कभी पूछा नहीं है कार्ड बनवा लो बना दो जी, तो उसमें शॉपिंग करते रहो ऐड होते रहते हैं। अब होता है क्या, मुझे एक बात बताएं, मैं जब वो जाके मैं कहता हूं जी मैंने ये पॉइंट्स क्लेम करने, आप इवन अल्फला में भी एक ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट है गालिबन, हाँ ऑर्बिट्स ऐसे ही है, अल्फला बैंक, अल्फला बैंक अल्फला में भी एक ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है, वो भी इसी तरह का मिलता जुलता है। साइंस सबकी अलग अलग हो सकती है, काम एक ही है। तो मैं जाके 100 रुपए की सेल्स, मतलब मैं जाता हूँ 100 रुपए की चीजें खरीदता हूँ, कार फोर वाले क्या करेंगे, पैसे उसको 100 पूरे मिले, पैसे तो मैंने दे दिए ना 100 पे लेट से 5% है, उसने पैसे 100 पूरे पकड़ लिए, यस सर, कैश पूरा 100 से डेबिट हो गया, यस सर। अब उस 100 में 5 रुपए की क्या उसकी लाइबिलिटी है कि यार ये वापस आके क्लेम कर सकता है कि नहीं है? यस सर है, लाइबिलिटी तो है। तो ये एंट्री कर दूं? जी सर कर दें। ओके अब अगर मैंने सेल्स 5% कम किए हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल भी 5% कम कर दूं, स्टॉक मेरा पूरा आउट हुआ है, कैश पूरा है, सेल्स 5% कम किए तो कॉस्ट ऑफ सेल भी 5% कम कर दूंगा, क्योंकि जितनी सेल्स होगी उतना ही कॉस्ट ऑफ सेल होना चाहिए, क्या कहते हैं? लॉजिक बन रही है जी सर। और रेवेन्यू देवे चलो, ये जो मैंने ये जो फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं ये कहीं पे भी नहीं है, मैंने सारा इंटरनेट इस स्टैंडर्ड को करने के लिए खंगाला था, सारी बुक्स देखी थी, ये जो मैंने एंट्रीज की हुई है फ्लो चार्ट के साथ ये नहीं है। अगर आप ये वाकई समझ लेते हैं, टोटल देखे ना ट्रांजेक्शन प्राइस में 4 पेजेस है, नॉन कैश सिग्निफिकेंट में 2, पेबल टू कस्टमर और वेरिएबल 5 है, नॉन कैश तो आसान है 4 है, 4 में घूमन गेरी है, जैसे भी हमने वो देखा सिग्निफिकेंट वाला उसमें 2 है, चलो उसको मैं एक ट्रीट कर लेता हूँ, दोनों एक रिसीवेबल एक कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है, वो सेम नेचर पे, ओके एक वो हो गया, एक ये है, एक आ गया, कुल मिला के 3 है, 3 पेजेस पे कमांड हासिल कर लें, दैट्स इट, रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, डन हो गया। तो ये जो आपने एंट्री की है कॉस्ट की, सर ये जो सेकंड पॉइंट कौन सा, सेकंड हेड कौन सा? ये कॉस्ट ऑफ सेल की जगह पे एक टेम्परेरी एसेट है या टेम्परेरी एक अकाउंट है जिसको कहते हैं राइट टू रिकवर एसेट। ओके बेसिकली हम एक ऐसा एक हेड बना के रखने लगे कि जब ये वापस आएगा तो इसको डेबिट क्रेडिट करेंगे। अभी 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 वो एक बंदा जाता नाई को, कहता है यार बाल बड़े वड्डे ने, कहता पुत्र एक मिनट रोको, उन्हें पैरों च आ जाने, एक मिनट रुक जा उन्हें क्लियर हो जाएगा। अब आप 100 रुपए की सेल करके चले गए, परचेज करके चले गए, मैं कारफोर हूं, मुझे पता है आप या तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे ही होता है, 2 सिनेरियो हो सकते हैं, ऐसा ही है सर। ओके 2 सिनेरियो, वापस आके या मैं अवेल करूंगा या अवेल नहीं करूंगा, क्या कहते हैं? लेट्स से मैं नहीं आता अवेल करने, तो एक खास टाइम है, लेट्स से साल में करने, एच महीने में करने, जो मैंने लाइबिलिटी बनाई थी वो खत्म कर दूं, जो मैंने इनकम कम की थी वो बढ़ा दूं, और जो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल कम किया था इसका मतलब ये टोटल रिवर्स कर दूं, किसी को कोई इतराज है?
नो सर। अब वो वापस आता है और क्लेम करता है, तब भी मैं ये कर दूं? इसका मतलब दोनों जगह पे ये कॉमन है, आप लोगों की लॉजिक भी बनवा रहा हूं, कॉमन है दोनों जगह पे, अवेल करूं या ना करूं? अवेल नहीं करूंगा तो इधर ही बात खत्म हो जाएगी। अब अवेल करूंगा तो दो चीजें कर सकता हूं, या मैं पैसे पाड़ लूंगा, पैसे पाड़ ले, या मैं चीजें खरीदूंगा। ऐसे ही होता है ना लॉयल्टी पॉइंट, पैन एल इन्हें मेरे 1000 लॉयल्टी पॉइंट हो गए 1000 रुपये पड़ा दो, या लॉयल्टी पॉइंट 1000 हो गए 1000 दे सामान दे दो, ये दो हो सकते हैं ना काम। जी सर। कैश लूंगा तो एक्सपेंस टू बैंक, और अगर चीजें लूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। बन गई लॉजिक? और बन गई ये? जी सर। सब अवेल में रेवेन्यू का इफेक्ट थोड़ा बता दें, हैं पहले जेडी इनकम घट गई थी से बता दो, जेडी लायबिलिटी बनाई सी वो खत्म कर दो, जेड़ा कॉस्ट ऑफ सेल घट किया सी वो बता दो, जेड़ा टेंपरेरी एसेट बनाया सी उन्हें उड़ा दो। जी भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन? चले फिर इसी से मिलता जुलता एक और सिनेरियो करते हैं। अगर मुझे एट द स्पॉट डिस्काउंट मिले तो वो इनकम मेरे लिए एक्सपेंस, एट द स्पॉट ही पैसे कम हो जाएंगे, 95 रेवेन्यू और 5 का एक्सपेंस, इसी के साथ कॉस्ट ऑफ सेल टू स्टॉक। वो कहता है यार चलो 5 रुपए डिस्काउंट है, ऐ वही गल है मुक मुका, 100 रुपए की चीज है 95 से गल मुकी, तो एट द स्पॉट 5 का डिस्काउंट, ये तो सिंपल है डिस्काउंट। लेकिन अगर रिफंड हो, रिटर्न हो, फिर क्या करेंगे? आपके पास से वो 100 रुपए की चीजें लेके, आपको पता है यार 5% लोग आते हैं जो रिफंड लेते हैं या रिटर्न करते हैं, ऐसा हो सकता है? होता है कि नहीं होता? अब ये ना कहना हो सकता है, होता है कि नहीं होता? सर होता है। होता है। कैश पूरा आया 100 रुपए? जी सर। 5 वापस आ सकते हैं, वही सिनेरियो बन गया। जो रेवेन्यू कम किया वही सिनेरियो बन गया। वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी थी, ये रिफंड लायबिलिटी। नाम याद रखिए, रिफंड में रिफंड लायबिलिटी और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अब वो वापस नहीं आया, वही काम हो गया। इसका मतलब यहां तक तो ये दोनों सिनेरियो सेम है, वहां पे अवेल्ड एंड नॉट अवेल्ड में दोनों एंट्री सेम थी, और वही एंट्री यहाँ पे की हुई है, यही थी वो भी? जी सर सेम है। वहां पे अवेल्ड में कैश या स्टॉक था, यहाँ पे वापस आके जब वो वापस आके चीजें देगा, लायबिलिटी कम और उसने कैश ले लिया। अब जब चीजें वापस हुई तो मेरा स्टॉक बढ़ गया, टेम्परेरी एसेट खत्म हो गया, इसलिए ये टेम्परेरी एसेट बनाया था इस दिन के लिए कि मेरा मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये करण अर्जुन वापस आ गए। तो दोनों को अगर मैं देखूं, रेवेन्यू में से मैंने 5 उठा के लायबिलिटी में डाल दिया, अगर 5 इधर से कम किया तो कॉस्ट ऑफ सेल में से 5 कम करके एक टेम्परेरी एसेट में डाल दूंगा। अवेल्ड नॉट अवेल्ड, अवेल किया या नहीं अवेल किया, लायबिलिटी दोनों में कम हो जाएगी, ये टेम्परेरी एसेट रिवर्स हो जाएगा। अवेल्ड में या कैश ले लेगा कैश टू बैंक, या स्टॉक ले लेगा कॉस्ट ऑफ सेल टू स्टॉक। यहां पर रिटर्न है, वापस आया उसने रिटर्न किया, लायबिलिटी खत्म, रिटर्न में उसको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे क्रेडिट। अब उसने रिटर्न किया तो स्टॉक बढ़ गया, वापस आ गया, स्टॉक डेबिट और वो टेम्परेरी एसेट क्रेडिट। हाँ जी भाई, गलती से कुछ जहन में मैप तो नहीं बन गया? गलती हो गई लगता है मुझसे। ए भाया बताओ। यस सर। सर क्लियर है? मुक गया रेवेन्यू, और बच की रह गया? दो स्टेप आपने कहा था, 5 स्टेप, दो स्टेप और की मैं और की केड़ा ब्रेक स्टेप करके दिखावा, केड़ा स्टेप करा? मर्जी है सर। हैं एलोकेशन आसान गेम है। अगर एक बात बताएं, मेरे पास ए बी सी तीनों अलग अलग ड्यूटीज हैं, तीनों की प्राइस है, तीनों जब डिलीवर होंगे मैं उसका रेवेन्यू बुक कर सकता हूँ? जी सर कर सकते हैं। यस सर।
तीनों को मैंने कहा जी 120 के हैं, लेकिन अगर मैं कस्टमर घेरने के लिए उसको 100 रुपए का दे देता हूं, जैसे सीएमएडीसी को आप लोग घेर लेते हैं 5,000 में पढ़ लेते हैं और 5,000 में 10,000 की सर्विस ले लेते हैं, इसमें आप सर्विस प्रोवाइडर को घेर रहे होते हैं, लेकिन बिजनेस में सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर्स को घेर रहे होते हैं, कहते यार देख तेरे लिए मैं ऑफर लाया तरिया चीजों मलात 120 रुपए बनसी मोड़ 100 रुपया फाड़ मैं तेन 100 रुपये देना, कस्टमर कहता ठीक है यार ले लेते हैं, ऐसे ही होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सबके अलग अलग सेल प्राइस को मिलाऊं तो 120 बनते हैं, मैंने सेल उसको 100 पे किया तो क्या मुझे देखना पड़ेगा कि 100 में जो 30 रुपए वाली चीज थी उसका कितना हिस्सा है, जी सर एलोकेशन करनी पड़ेगी। यस सर, तीनों की मैं प्राइसेस लिख दूं, ये टोटल यहां पे मैं लिख दूंगा बंडल, ये इसके इसमें कितने परसेंट है ये परसेंटेज इसे मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर आ जाएगा जी सर ये तो कॉस्ट की तरह। यस वही है। अब इसकी ये देखो ये 30 की थी, इस 100 में इस 25 है, 40 की थी 100 में ये इतने की थी 100 में ये इतने, अब ये डिलीवर होती जाएगी। रेवेन्यू जो अगला स्टेप है वो इधर ही बताने लगा हूं, रेवेन्यू जो बुक होता है वो इन टाइम होगा या ओवर टाइम होगा, इन टाइम मुराद एट द स्पॉट, जैसे मैं कार लेने जाता हूँ कार मुझे एट द स्पॉट डिलीवर हो गई वो उसी वक्त रेवेन्यू बुक होगा, उसके साथ उसका एक सर्विस का एग्रीमेंट है साल का, हर महीने जब सर्विस पूरी होगी तो हर महीने का रेवेन्यू बुक होगा, तो कुछ चीजें एट द स्पॉट होंगी कुछ चीजें ओवर द टाइम होंगी, ये रेवेन्यू बुक करने का तरीका है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस एग्रीमेंट, कार डिलीवर करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। कार डिलीवर एट द स्पॉट होगी, जैसे मैं मोबाइल खरीदने जाता हूँ मोबाइल फौरन मुझे मिल जाता है, लेकिन जो मिनट्स हैं हर महीने मिलने हैं तो उसका मतलब वो सर्विस महीने महीने पे स्प्रेड हो गई, तो जो काम टाइम पे स्प्रेड हो जाएगा उसका रेवेन्यू भी जब वो टाइम कंप्लीट हुआ करेगा फिर बुक होगा। अब ये जो इसमें एक मिनट, इसमें जो एलोकेशन में मेरे पास इन प्राइसेस का होना जरूरी है, वो इन प्राइसेस को ढूंढने के लिए एक आधी प्राइस दे सकता है, जैसे हमने मार्कअप मार्जिन किया है, मार्कअप मार्जिन में वो आ सकता है नंबर वन। नंबर टू रेजिडुअल वैल्यू, दो की प्राइस दे दे इसकी और टोटल दे दे, मैं ये ढूंढ सकता हूँ। फिर मार्केट वैल्यू, ये चीज उसने दी नहीं दी, मैं मार्केट से इसकी वैल्यू उठा सकता हूँ, तो मुझे पहले ये स्टैंड अलोन प्राइसेस निकालनी है, देन गेम सिर्फ यही रहेगी, और इन टाइम ओवर टाइम रेवेन्यू को बुक करना है। लो जी जी सर, किसी को गलती से कुछ समझ आ गया हो तो बता सकते हैं। यस सर, टाइम हो गया 6:10। एक बड़ा मशहूर मरूफ सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है, एलोकेशन कहते हैं, ब्रेक लेने का इरादा तो नहीं? नो सर। स्प्रिंग 21 क्या है ये बोलो, बड़ा मजे का सवाल है। स्प्रिंग, अब स्प्रिंग 21 मींस वन ऑफ द लेटेस्ट क्वेश्चन, कैन आई से दैट? यस। ओके, ओके जी, ये क्वेश्चन परफेक्ट क्वेश्चन है किस चीज के लिए, एलोकेशन के लिए। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं इसका ना मतलब आप किसी भी क्वेश्चन में एलोकेशन पकड़ सकते हैं। डन हो गया, पढ़ना शुरू करें फिर। रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट क्वार्टरली रेवेन्यू 31 मार्च और 30 जून के लिए, क्वार्टरली रेवेन्यू। ओके, 1 जनवरी 2021 में कार्रवाई स्टार्ट हुई, उसने एक न्यू प्रमोशनल पैकेज दिया मोबाइल फोन, मेरे पास है एक मोबाइल फोन, ऑन नेट कॉल जो सेम नेटवर्क की होती है और अदर नेटवर्क, ऐसे ही है तीन चीजें। मुझे स्टैंड अलोन प्राइसेस सबकी अलग अलग प्राइसेस चाहिए, यहाँ पे वो टोटल आ जाएगा। फिर मुझे पैकेज की प्राइस चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा एलोकेशन देन रेवेन्यू। क्या हमारा यही प्रोसेस है, यही है जी दोस्तों भाई बुजुर्गों? यस।
ओके इन तीनों में से उसने यहां पे एक चीज दी कि 1000 मिनट्स पर मंथ ऑन अदर नेटवर्क। अदर नेटवर्क हमेशा याद रखिएगा, ओए ये तो 10,000 10,000 हो गए, 10,000 को वापस लाते हैं 1000 पे। हमेशा ये ईयरली कैलकुलेट कीजिएगा, ईयरली कैलकुलेट करना है, फिर मंथली हो क्वार्टरली हो सेमी एनुअली हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन ईयरली करनी है। डन हो गया क्या? ये 12,000 मिनट्स हैं क्या? ये एक ड्यूटी है क्या? मोबाइल प्रोवाइड करना ड्यूटी है क्या? ऑन नेट मिनट्स देना ड्यूटी है क्या? ये पीओज हैं। अगर कोई बंदा मुझसे आके ये पैकेज लेता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सामने आ गई सर। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की ट्रांजेक्शन प्राइस वो ढूंढनी है, ट्रांजेक्शन प्राइस ढूंढने के बाद एलोकेशन करनी है, एलोकेशन के बाद ओवर टाइम इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। कैन वी डू दैट इन 5 स्टेप? जी सर। ओके चलो जी, वो बता दिया उसने, पैकेज प्राइस है 11,550 पर क्वार्टर, 11,550 पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, कितना हो गया साल का? किसी को कोई इतराज? नो सर। रेवेन्यू के पास पेपर कर रहे हैं, 5 स्टेप मॉडल लगा रहे हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, ओके, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फोन वुड नॉट बी रिटर्न, ठीक है जी, रिटर्न नहीं है, वो रिटर्न वाला प्रोविजन मुझे नहीं निकालनी पड़ेगी। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रमोशन अनाउंसमेंट सीटी सोल्ड 1000 पैकेज, हो गया कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी सर। स्टेप 1 कॉन्ट्रैक्ट, ओके। स्टेप 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 है, ओके। स्टेप 3 क्या है? ट्रांजेक्शन प्राइस। स्टेप 4 एलोकेशन। स्टेप 5 रेवेन्यू। क्या यही स्टेप्स हैं? कितने पे टिक लग गया है? 2 पे। चलते हैं आगे, होले होले से हवा लगती है, होले होले चलते हैं। उसने कहा है जी, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ईच कस्टमर वुड यूटिलाइज 10,000 मिनट्स ऑन अदर नेटवर्क। हमने कितने कैलकुलेट किए हुए? 12,000। वो कहते हैं 10,000 यूज होंगे, ओके, इसको इग्नोर करके इसको ओके कर लें। वैसे अगर 10,000 उसने ना दिए होते, पर मंथ 1,000 है तो 12 होते, उसने कहा कि नहीं भाई 10,000 लगेंगे। डन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 12,000 के बजाय 10,000 मिनट्स हो गए। फिर उसने कहा है, उनका ब्रेकअप ये है कि हर क्वार्टर में इतने इतने मिनट्स यूज हुए, इसका क्या इस्तेमाल होगा आगे देखते हैं। मोबाइल फोन हैज रिटेल प्राइस, लो जी मोबाइल फोन की प्राइस आ गई 34,000। मंथली सब्सक्रिप्शन 500 ऑन नेट, 500 × 12, 6,000, और अदर नेटवर्क 1.5 पे 15,000। ट्रांजेक्शन प्राइस डन, बोल दे नहीं। यस सर, ये जो आपने किया पहले दोनों वो तो ठीक है हमें लगी, ये जो दूसरे हैं सर ये पर मिनट है 1.5 पर मिनट, तो ये मंथली 10,000 मिनट उसने यूज करने हैं, पर मिनट 1.5 है तो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पैसे करने ना, मिनट्स पैसे तो नहीं है ना जी, पैसे ट्रांजैक्शन प्राइस। उस ड्यूटी की प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है? अगर मैं 10,000 मिनट बेचूंगा पर मिनट 1.5 मिनट पे बेचूंगा तो 15,000 मिलेंगे, वो मैंने निकाला है। ओके सर। अच्छा जी, इसका इसमें शेयर, इससे मल्टीप्लाई निकालो जरा, कितना आंसर है जल्दी से आंसर बताओ पहले का। हाँ जी आंसर, आंसर 28,560, 28,560 जी सर, और दूसरे का 5060, 5060, तीसरे का 12600, हाँ जी 12600, क्या ये ईयरली था? ईयरली था, ओके जी।
ये जो दूसरा है इसका 5040 आया मेरा, जितना भी है यार देख लो एक दफा रिकैलकुलेट कर लो। अच्छा जी। अब हमने करनी एलोकेशन। 1000 पैकेज बिका फर्स्ट डेटा फर्स्ट क्वार्टर, क्या ये इन टाइम होगा? मोबाइल चलेगा फौरन ही? जी सर चलेगा। मैं एक ही उसका कर रहा हूं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना, 1000 पैकेज जो अभी यहाँ पे एलोकेशन है सबको 1000 से मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू बुक करना है। इसका मतलब है फर्स्ट डे आप फर्स्ट क्वार्टर ये सारे चले गए, रेवेन्यू बुक हो गया। इसका पर क्वार्टर कितना बनेगा? 5040 का 4 पे डिवाइड करें, 1260 ओवर टाइम है। Q1 का भी 1260, Q2 का भी 1260, क्वार्टर वन पे जैसे क्वार्टर वन कंप्लीट होगा 1260 का रेवेन्यू, क्वार्टर टू कंप्लीट होगा 1260 का रेवेन्यू। डन? यस सर। 12600 कितने मिनट्स के लिए? नहीं क्वार्टर के मिनट बताएं, नहीं पहले 4 क्वार्टर के लिए पर क्वार्टर बताएं कितने पैसे बनते हैं? 3150 3150 कितने मिनट्स के लिए? 12600 10000 मिनट के लिए था, 4 पे डिवाइड कर दिया, मिनट्स को भी 4 पे डिवाइड कर दो, 2500 मिनट्स के लिए। जी सर। अगर एक्चुअल कंजम्पशन ना होती तो ये 3150 ही रेवेन्यू होता, लेकिन चूंकि एक्चुअल कंजम्पशन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वार्टर वन का आंसर ये आ जाएगा, दूसरी 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्वार्टर टू का रेवेन्यू आ जाएगा। डन। हाँ जी एलोकेशन मजे की है यहाँ पे। ओके समझ तो नहीं आ गई? ओके समझ तो नहीं आ गई मुंडियो? सर ये जो एलोकेशन है ये एलोकेशन तो ठीक है, उसने मंत्री दी हुई है, लेकिन सर आपने फिर ऑन नेट के साथ इसको क्यों नहीं तीन महीने खत्म हो गए रेवेन्यू बुक हो जाएगा। वहां पे एक्चुअल कंजम्पशन भी दी हुई है। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया? अगर एक्चुअल कंजम्पशन ना होती तो 3150 ही रेवेन्यू होता। इसे अंडरस्टूड समझ लो। 3150 2500 यूनिट के लिए पर मिनट निकाल लूंगा, 2700 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जी सर अंडरस्टूड। चलें काम कर लेते हैं और ठीक है, ऐसे ही रहने दो। क्या ये डन है? डन सर। हो जाए फिर अगला। जी सर कर लो। फिर उठ गया ओए होए, और हम और लेटेस्ट हो गए, हम क्या हो गए और लेटेस्ट हो गए यार। आज मैच कितने बजे? मैच तो लग ही नहीं रहा अभी, तो कोई कबड्डी चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है अभी, तो चैनल पे कोई कबड्डी शबड्डी नहीं, वो आ रही है वो जो अमेरिकन खेलते हैं, कौन सी होती है वो जो ऐसे बॉल लेके भाग रहे होते हैं? रग्बी। रग्बी रग्बी चल रही है। सोकर है? नहीं नहीं सोकर्स नहीं, सोकर्स तो फुटबॉल को कहते हैं ना। अच्छा 7 बजे है, 7 बजे है जी। ओके कौन बंदा किस किस टीम को सपोर्ट कर रहा है? हाय बड़ा खूबसूरत सवाल है यार ये तो, करेक्टिंग एंट्रीज। ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਐਂਟਰੀ। ਆਏ ਹਾਏ 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 ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਸੀ ਮੋੜ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਲੋ। SR1 ਰੌਕਸ ਔਰ ਮਨ ਜੀ ਸਰ ਚਲੇ ਜੀ ਪੈਰੋਡੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ। 3 ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਠੀਕ
ठीक है, 30 जून 2021 डन हो गया पहला। ऑन 1 नवंबर 2020 डेट्स देख लेते हैं, 30 जून 2021 1 नवंबर 2020 सोल्ड कार ए, पहले मैं हमेशा करेक्टिंग एंट्रीज के लिए कहता हूं, उसने जो मर्जी किया वो बाढ़ में जाए, वो कहां पे जाए बोलो सर, वही जो आपने कहा। हाँ, आप सिनेरियो पढ़ें और उसकी करेक्ट एंट्री कर लें जो एंट्री बनती है। उसने कार ए सेल की है 5 मिलियन की, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ₹1 मिलियन वुड बी पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस वुड बी पेड आफ्टर 2 ईयर्स। वाह सुभान अल्लाह, अकाउंटेंट हैज रेकमेंडेड द एक्सटेंट ऑफ कार ए, उन्हें छोड़ दो, तुम पांच दा ते पांच दे विच एक दा ते चार दा दसो क्या एंट्री होनी चाहिए। हाँ जी बताएं सर, दो जो बाकी का उसको डिस्काउंट करेंगे, 1 मिलियन प्रेजेंट पे ही ऑलरेडी, 4 को डिस्काउंट करेंगे। करके दसो ना सुने हो। ठीक है सर, वो रेट दिया हुआ 12%। एक तो मैं अभी ले लूंगा ऐसे ही, नहीं वुड बी पेड, रिसीवेबल तो हो जाएगा 10 एक का, ये चलो एक मैंने कर दिया, 4 का आप कर दें, आधा काम मैं कर देता हूं। एक रिसीवेबल सर वो 3.1819 कर लें मिलियन प्रेजेंट वैल्यू, 2 साल पे सर डिस्काउंट किया है इसको 12% के रेट। 4 को किया है, 4 को जी सर, 4 को किया ना, रिमेनिंग बैलेंस वही बचता है 1 मिलियन पहले पे। कितना कितना आ रहा है वो सर? वो 3.19 कर लें दिस राउंड ऑफ करने के बाद। रेवेन्यू कितने पे बुक होगा जिस बैलेंस पे? सर 4.19 पे होगा फिर प्लस करके। क्या ये एंट्री होनी चाहिए? जी सर। would be paid immediately 1 and balance would be paid after 2 years accountant has recognized cash nahi hoga sir 1 mil agar immediately pay ho raha tha would be paid pay hoga immediately bhi hai sir to jab hum uska receivable record karenge to tabhi karenge na accountant receivable bana ke na fir cash mein convert karte hain ek hi gal hai yaar okay sir accountant ne kya kiya अच्छा नहीं अभी आगे हमने क्या करना है करेक्टिंग एंट्री पास करेंगे नहीं नहीं ईयर एंड पे अनवाइंड भी करवा देना रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम आपने पहले करेक्शन तो कर लिए कितना 3828 और भाई दो डिजिट दस दे तेरी मेहरबानी 0.38 कर ले सर। क्या ये होना चाहिए था ट्रीटमेंट? ये होना चाहिए था। व्हाट हैज ही डन? वाह सुभान अल्लाह, उसने एक्सटेंड द कॉस्ट ऑफ एसेट, उसने क्या किया हुआ है? उसने सिर्फ ये किया हुआ है, ऐसे ही है। ओए ऐसे ही है जी सर, ऐसे ही है, उसने ये किया हुआ है, होना ये चाहिए। कितना रेवेन्यू उसने, कितना रिसीवेबल कम रिकॉर्ड किया है? रिसीवेबल कितना कम रिकॉर्ड किया भाई? ईयर एंड पे करेंगे तो सर 1.07 का। यार एक मिनट देखो, हमने एंट्री की ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, उसने सिर्फ ये किया है। सिर्फ ये बता दें इसको कंपेयर करके रिसीवेबल कितना काम रिकॉर्ड किया। 4.19 में से 3.5 निकाल दें, 3.5 तो रिकॉर्ड किया ही हुआ ना उसने रिसीवेबल। जी सर किया हुआ। कितना काम रिकॉर्ड किया वो बताएं। 0.69 ये एंट्री हो जाएगी और ये एंट्री भी आ जाएगी। पहले सिनेरियो में कोई मसला? नो सर। कोई जरूर 30 जून
फर्स्ट नंबर, इसको प्रोपोर्शनेट भी करना है टाइम पे, प्रोपोर्शनेट भी करना है, जो भी आंसर बनेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। पहले सिनेरियो में किसी को कोई मसला है लेकिन उसकी एंटी ही गलत है तो हम क्यों बच्चे, एंटी में उसने रिसीवेबल और रेवेन्यू कुछ ना कुछ क्रेडिट डेबिट किया हुआ है, हमने भी वही करना है। तो बैलेंसिंग नहीं, वो कमेंट का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है हसन। एंट्री गलत है, रिसीवेबल 3.5 से, मैंने भी तो 4.19 से रिसीवेबल बुक करना है, तो जितना उसने किया वो तो ठीक है, बाकी वाला हाँ जब हम ठीक करेंगे आप करेक्ट हो गया। हाँ जी, पहले सिनेरियो में कोई मसला किसी को भाई? सर ये अनवाइंड मैंने टाइम अपोर्शन नहीं किया, ये पूरे एक साल का। हाँ जो भी आंसर बने वो करके ना वही हो जाएगा ना रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम। पहले सिनेरियो में किसी का कोई मसला? डन है सर, आ जाए दूसरे पे। यस चलो जी, ऑन जनवरी 21 कहाँ ऐसी क्लासें मिलेंगी? रीसेंट सवाल, पूरा टॉपिक रिवाइज। मैं पहले सवाल नहीं करवाता था पास्ट पेपर, पूरा टॉपिक बड़ी मुश्किल से होता था, इस बार मैंने थोड़े टॉपिक काम करके, यार ये अहम सवाल हैं, अहम टॉपिक्स हैं ये करते हैं और इनके रीसेंट सवाल करवा देते हैं। ये इम्पैक्ट, ये अप्रोच ज्यादा अच्छी है कि पूरा सिलेबस सिर्फ रिवाइज करवा देना ज्यादा अच्छा है? ये अच्छा सर, ये अच्छा। हाँ ये तो चंगा लगेगा थोड़ा, लेटेस्ट 2-3 सवाल हो जाते हैं। चलो जी, 1 जनवरी 30 जून टाइम इसलिए ख्याल रखना होता है, 6 महीने यहाँ पे। P&L enter into 6 month contract with beta to sell car B 3.5 million per unit. 6 month contract per unit 3.5. As per the contract, BL purchase more than 10 units. If BL purchases more than 10 units during the contract period, price will be retrospectively reduced to 3.4 million per unit. At the inception of contract, BML concluded that BL will meet the threshold. ठीक है, BL purchase 11th unit. 28 फरवरी को, फॉर विच नो रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड, ओके। 11वां यूनिट परचेज किया, इसका मतलब इससे पहले 10 यूनिट परचेज कर चुका है वो, 10 यूनिट की एंट्री करवाए, करेक्ट, क्या होनी चाहिए? करेक्ट यूनिट एंट्री कराओ मॉडल। रिसीवेबल डेबिट और कितने से? कितने से रिसीवेबल डेबिट? 3.35 से सर, पर 3.5 है। अच्छा, क्रेडिट क्या होगा? सेल्स होगी सर। कितने से? वो भी 35 ही होगा, अनलेस के वो जो कर लिया उसने थ्रेशोल्ड मीट करेगा, तो आज मैं उसकी लायबिलिटी अभी से नहीं पड़ा है। जी सर, ठीक है फिर वो डिस्काउंट बनाओ। लायबिलिटी कितने बनेगी? कितनी रिड्यूस होगी प्राइस? 3.4.1 कम होगा ना सब में, ये करेक्ट एंट्री नहीं बनती। पैंतीस का रिसीवेबल है, हमने रिसीवेबल बैंक पूरा किया था, अगर हमारी कोई लायबिलिटी बनती है तो रेवेन्यू कम किया था ना, तो 3.4 जब होगा तो रेवेन्यू 0.1 कम होगा, 10 कम है तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 10 की बन जाएगी, ऐसे ही है? यस सर। ओके, 11th यूनिट की एंट्री किस पे होगी? वो उसके अमाउंट पे होगी 3.4 पे। तो उसने 10 से ज्यादा ले लिए, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? जी सर, खत्म हो जाएगी। अंडरस्टूड सर। लायबिलिटी, ओए एक मिनट, प्राइस विल बी रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड, ये कम होगा ना, रिसीवेबल कम होगा ना, प्राइस कम होने का मतलब मैं पैसे कम लूंगा, पहले मैंने 35 लेने थे, इनमें से एक कम हो जाएगा ना, क्या कहते हैं 0.1 × 10। yes. तो रिसीवेबल कम होगा, सॉरी मैंने रेवेन्यू कम कर दिया था। अब उसने क्या किया है ये भी तो देखना ना, उसने क्या किया है? एक तो वो कह रहे कि 11वें यूनिट की उसने रेवेन्यू की एंट्री नहीं की। BL has made payment of all unit except 11th unit which will be settled in July. उसने क्या किया है? As per the contract, BL purchased more than 10 units, ठीक है?
ईमेल कैलकुलेशन, दूसरी दो एंट्रीज ही करनी थी बस। हम्म, बस एक एंट्री की नहीं है, बस वो कर दिया आपने साथ में लायबिलिटी वाली एंट्री कर दी, ठीक नहीं है सर आपने किया। 11th यूनिट की उसने एंट्री नहीं की, इसका मतलब ये तो क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि ये जो दूसरी एंट्रीज हैं उसने ये दोनों नहीं की। यस सर, मिसिंग एंट्री थी बस, ये एंट्री उसने दोनों नहीं की। BL has made payment of all unit except 11th unit which will be settled in July. उसने पेमेंट कर दी है, इसके बारे में उसने कुछ बताया? इसका मतलब ये एंट्री उसने की है, राइट? पहली चीज उसने यहाँ पे क्लियर की कि उसने इसकी एंट्री नहीं की, ये हम कर लेंगे एज इट इज, ऐसे ही है टाइम क्या होगा, ठीक एज इट इज कर लेंगे। BL has made payments. BL has made payments. BL ने payments कर दिए हैं of all units except 11th unit. Except 11th unit. Except 11th unit. Entry तो ये बनती है receivable to bank, है ना? इसके बारे में क्या बता रहा है उसने? बोलो बोलो बोलो, सही है, सही है। नहीं, ये नहीं होगी, उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसका मतलब उसने रिकॉर्ड की होगी, सिर्फ ये करेक्टिंग एंट्री। देखो पहले नंबर पे ये होनी चाहिए थी, फिर ये होनी चाहिए थी, फिर ये होनी चाहिए थी, इन तीनों में से उसने कहा उसने इसकी एंट्री नहीं की, तो सिर्फ ये करेक्टिंग एंट्री है। डन डन डन, ठीक है सर। एरर के बारे में जब तक स्पेसिफाई ना करे तब तक हम इसको एरर कंसीडर नहीं करते। भाई जो उसने बताया सवाल में हम वैसे चलेंगे, उसने कहा जी पेमेंट्स कर दिए हैं, अगर तो कहता उसकी एंट्री नहीं हुई, पेमेंट्स कर दिए तो एंट्री भी हुई है, उसने कुछ बताया नहीं, तो हम ये अज्यूम करेंगे एंट्री भी होगी। उसने सिर्फ एक के बारे में बताया एंट्री नहीं हुई, और 11 पे लायबिलिटी डेबिट होनी थी, अगर 11वें की यूनिट की एंट्री नहीं हुई तो वो एक की एंट्री भी नहीं हुई होगी, ठीक है। डन, वो चार सिनेरियो इसमें, ये चौथा कब आया? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हैं? चलो जी, तीसरा, दूसरी सिनेरियो में किसी को कोई इतराज, कोई मैसेज आया हुआ है यार, ईयर एंड के बाद है सर, बीएल ने पेमेंट नहीं की, बीएल ने, ओ विल बी सेटल्ड इन जुलाई, ओके, इसका मतलब एंट्री होगी नहीं, ठीक है, परफेक्ट हो गया, थैंक यू यार, इसलिए मैं सोची जा रहा था होया कि हमने पढ़ा नहीं, आ गया लड़को बंदे बनो, विल बी सेटल्ड इन जुलाई। नहीं यार, बीएल हैज पेड पेमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट एक्सेप्ट 34 की कर दी ना उसने, बच्चे सही किया होया, ऐसी हमने इसकी पेमेंट की बात नहीं कही, 35 में से एक रिसीवेबल कम हुआ था 34, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ तो 3/4 की हम पेमेंट लेने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो इस 35 में से 34 लेने की बात कर रहे। चलो जी, ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने लगता तुसी ना पास पेपर भी खोल के बंदे नाल टीचर ने पसाया होंगे। ऑन 1st Feb 2011 आ गया जी 2021 1st Feb, 5 महीने बन रहे, 3 मिलियन sold car 3 million and recognize the entire amount as revenue. Okay. हम अभी नहीं कुछ करेंगे, हम पढ़ेंगे पहले। PML also provided GL a 0.2 million discount voucher for any few. Oy, 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 oy. Within 1 year. आया मजा? कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है। क्या था? Discount voucher आगे use हो सकता है वापसी? जी सर, वो points वाली बात आई है। और देयर इज 80% लाइक्लीहुड। ओके, पहले मुझे बताएं हम करेक्ट एंट्री क्या करेंगे, रिसीवेबल पूरे से डेबिट होगा, रेवेन्यू 2.8 से, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 0.2 से, पहले तो ये एंट्री होनी चाहिए। देयर इज 80% लाइक्लीहुड दैट जीएल विल रिडीम डिस्काउंट वाउचर एंड विल परचेज स्पेयर पार्ट्स विद इन 1 year, बाय द एंड ऑफ ईयर नो स्पेयर पार्ट्स वर परचेज्ड बाय जीएल, पीएमएल नॉर्मली सेल्स कार for 3 million with no discount voucher.
ओह माय गॉड, क्या कह रहे हैं शायर? हाँ जी शायर क्या कहना चाह रहे हैं? शायर क्या कहें, शायर की शायरी शायर को ही समझ आए सर? शायर ये नहीं कहना चाह रहा जो हमने एंट्री की है। वो कहता है वो डिस्काउंट वाउचर देते नहीं है, उसने डिस्काउंट वाउचर भी दिया है, एलोकेशन है, उसने 3 मिलियन में दोनों चीजें दी, एक ऑब्लिगेशन है कार 3 पे और एक ऑब्लिगेशन है डिस्काउंट वाउचर 0.2 पे। बात समझे, 3 मिलियन उसने ये डिस्काउंट वाउचर दिया है, नॉर्मली वो किस पे सेल करता है? 3 मिलियन विद नो डिस्काउंट वाउचर। अगर उसने 3 मिलियन में कितनी चीजें दी है, 3 और 0.2, तो 3 मिलियन में ये दोनों चीजें हैं तो एलोकेशन होनी चाहिए। पढ़े पढ़े बड़ा जरूरी है ये, सर होनी चाहिए। देखे ना, 3 मिलियन की चीज है यार, मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, खारिश खुरिश कोई मसला तो नहीं होता ना, क्योंकि ये नेचुरल होता है, ऐसे कर लिया, खारिश कर ली, नाक पे खारिश, वरना तो बंदा फिर फंसा ही रहे। नो सर, हाँ मतलब ये नेचुरल है ना, बंदा बैठा होता है। अच्छा मजे की बात, बंदे को पता भी नहीं लगता, ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, ऐसे ऐसे, अजीब सा होता है। ये देखो अभी ये जान बुझ के नहीं किया, ये वाला नेचुरल निकला था। अच्छा, वो बेचता है 3 मिलियन की कार जिसमें वो डिस्काउंट वाउचर नहीं देता। अब उसने 3 मिलियन की कार दी है, उसने 0.2 मिलियन का डिस्काउंट वाउचर भी दिया है। इसका मतलब 3 मिलियन इज अ पैकेज प्राइस जिसमें दो चीजों की कॉस्ट है, क्या ऐसे ही है? कितने में? 3 में कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट, करें जरा। और श्योर? जी सर, 3.2 × 3 2.81। दूसरे का 1.8 19 बनेगा ना फिर? जी सर सही है। आई 37 पड़ा हुआ है? जी सर पड़ा हुआ। पैनो भी ला लो, 80% भी ला लो, थोड़े से हम बहके हैं और हमारा सवाल गलत होने लग गया। अब करो, मोस्ट लाइकली आउटकम 0.2 में 80% होने के चांस हैं, तो 80% कर लेना। अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब हम सही ट्रैक पे आ गए। हूं कि नहीं? ऐसे ही है। अब एंट्री क्या होगी? रिसीवेबल, रिसीवेबल 3 से ही जाएगा, डिस्काउंट वाउचर या लाइबिलिटी 0.152 और रेवेन्यू 2.848। हाँ जी, अब किसी को इतराज है? अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ जी भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्या चीज? ये जो क्वेश्चन इसकी समझ नहीं आई पूरे पूरे सवाल की समझ नहीं आई भाई वो देखो ना, यहाँ से इस लाइन जब आखिरी लाइन पड़ी तो ये देखो ना, 3 मिलियन की वो कार बेचता है, आज उसने 3 मिलियन की कार बेची, उसमें 2 चीजें दे दी है, तो ये पैकेज नहीं हो गया 3 मिलियन में 2 चीजें? पैकेज हो सकता है, हो सकता नहीं है भाई, 3 मिलियन की एक चीज बेची जाती है, ये 3 मिलियन की लड़ से 3 रुपए की है, मैं आपको 3 रुपए में मैं ये भी देता हूँ, एक चीज और भी दे देता हूँ, तो 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी, दोनों की अलग अलग प्राइस अवेलेबल है, एलोकेशन करूंगा, 3 में दिए दोनों, उसने रेवेन्यू ज्यादा बुक किया, उसने लाइबिलिटी बुक नहीं की, ये एंट्री कर देंगे, क्या कहते हैं? ठीक है, रेवेन्यू जो ज्यादा बुक किया है 0.152 से रेवेन्यू कम कर देंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 0.152 से कर देंगे, करेक्ट है एंट्री सिर्फ ये है, ठीक है, यही हो गया ना, उसने 3 से रिसीवेबल 3 से रेवेन्यू बुक किया हुआ है, रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा बुक किया हुआ है, रिसीवेबल ठीक है, रिसीवेबल छोड़ देंगे, जो रेवेन्यू ज्यादा बुक किया उसको कर देंगे, जो क्रेडिट नहीं किया उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? सर ये रिकॉग्नाइज कैसे किया कि इसको एलपी नहीं लेना बल्कि भी बता दिया ना, अच्छा जी चौथे सिनेरियो पे आ जाए, पैन में रोमबस भी करवाना है, कल वाला दिन इस तरह विफ्रिक वन करेंगे आधे घंटे, आइटम 22 भी करेंगे, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हो जाए भी राजी आइटम 22 के, कल करें कल। सर ये जो है इस थर्ड पॉइंट में बाय द ईयर एंड नो स्पेयर पार्ट्स फॉर परचेज बाय जीएल, इसका कुछ नहीं करेंगे भाई? अगर वो आता तो मैं वो अवेल्ड नॉट अवेल्ड पे चला जाता ना जी, अभी क्या सिनेरियो बताए हैं यार, अभी ये तो बताए नहीं, फिर इसका रेवेन्यू उसने अवेल नहीं किया, फिर रेवेन्यू दोबारा से बुक कर लेंगे क्यों भाई, अभी मैं 1 फरवरी को, अभी तो 5 महीने हुए, साल गुजर गए 1 फरवरी से 30 जून तक, अभी तो 5 महीने, पहले पूरा साल तो गुजरने दो, ठीक है सर, ठीक ओके जी, चलो जी चौथा सिनेरियो, ऑन 20 फरवरी 2021 पीएमएल सोल्ड कार डी टू डेल्टा With 1 year free maintenance. With 1 year free maintenance. अगर free maintenance को उसने पैसे दे देना, इधर भी allocation करनी पड़ेगी. At lump sum, लो जी. ठीक है? Allocation है? 3.6 पे उसने दे दिए. Payment was made on 1st March upon delivery of car D to DL. Revenue of 1.5 million has been recognized. PML normally sells car D and annual maintenance service. कार कितने पे है? 3.5 और मेंटेनेंस कितनी है? 3.8 3.6 इज द पैकेज प्राइस. हाँ जी एलोकेशन करें जरा, ये तो सीधा सीधा है ना, कितना पहले का? पहले का कितना है? पहले का कितना है? 3.32 सर मैच है, कल कर लें, पहन जाओ मैच देखो, मैं भी लाया मैच नाल, मैं तेरे तो बड़ा शौकीन हूँ, मैं रात तक सवाल बनाऊंगा मैच देखूंगा, अभी नहीं लगा? हाँ जी 3.32
और नीचे जीरो पॉइंट टू एट है सर। 0.28 एंट्री बताएं क्या होगी, सोच के बताइएगा, मैं बहुत मारूंगा मैं। हाँ जी सोच के बताना मेरे दोस्त। हाँ जी ये 3.6 रिसीवेबल और बाकी लाइव जो रेवेन्यू और साथ में लाइबिलिटी, ऐसा करेंगे सर। यार मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ओवर टाइम होता है ना, देख लें कितने महीने हैं। क्या कहते हैं कितने महीने गुजरे हैं? चलिए काम करते हैं ना, पहले सिर्फ कार का वो करवाएं, एंट्री अलग अलग कर लें। 3.32 इस पे किसी को एतराज है? ये कार का है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का बताएं। ये तो घुमा दिया, पेमेंट वाज मेड ऑन 1st मार्च। 1st मार्च से कहानी शुरू होगी ना, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने। वो यार पहले पहले करेक्ट एंट्री कराओ, करना की है, करना की है। सर वही बता रहा हूँ, 20 फरवरी को सर इसका लक सर जो सो सेल कर दिया लमसम पेमेंट पर 3.6 डिलीवरी तो नहीं हुई, डिलीवरी तो बाद में हुई, पेमेंट वाज मेड ऑन मार्च 1 मार्च 2021 अपॉन डिलीवरी ऑफ कार, 1 मार्च को डिलीवरी हुई है लेकिन पेमेंट उसने पहले कर दिया तो वो अनअर्न्ड इनकम नहीं हो जाएगा सर, वो लाइबिलिटी। तो पैन पहले रिसीवेबल दे एंट्री तो करा लो, लमसम पेमेंट ऑफ 3.6 मिलियन। जी सर देखे ना वो 20 फरवरी को किया पेमेंट, कार अभी डिलीवर नहीं हुई। अच्छा पेमेंट हो गई है? जी सर पहले पेमेंट हो गई है। ओके ओके चलो ठीक है, एंट्री कर लो यार, बैंक टू लायबिलिटी हूँ, ठीक है पहली एंट्री ये हो गई। अब एलोकेशन कर ली, अब बताओ अब ये रिसीवेबल वाली एंट्री जो आप उधर पे लिखवा दी है ये 3.32 बनेगी। जी सर एलोकेशन के बाद। ओके और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मसला है? मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट असल चीज है ना, आप बताओ उसका क्या करना है? सोचो 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 सोचो। सर पेमेंट 1st मार्च को ही अलॉन्ग विद डिलीवरी, बिल्कुल ठीक है भाई, कर दिए पेमेंट की एंट्री, माफ कर दो मैनू। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 0.93 से रेवेन्यू बुक होगा, 4 महीनों का निकाला है, ठीक है और आप कह रहे हैं 0.093 रिसीवेबल टू रेवेन्यू, ऐसे ही है? ऐसे ही है नहीं, नहीं मतलब रेवेन्यू टू ये सर रिसीव तो हो चुका ही है, रिसीवेबल तो नहीं होगा। वो ठीक है वो कर लेने हैं, इतने सीएल आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। जी सर
मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, इसको इंडिपेंडेंट सोच लेना। 3.32 तो सबको कोई मसला नहीं है ना सर, ये गलती होगी फिर से। सर ये इसमें कहा है लमसम पेमेंट ऑफ 3.6, लेकिन वो दूसरी लाइन में लिखा हुआ पेमेंट वाज मेड ऑन 1 मार्च। तो सर पेमेंट भी बाद में हुई, वो पहले नहीं हुई, पेमेंट भी उसी दिन हुई है जिस दिन डिलीवरी हुई है। यार ठीक है, मुझे समझे कि पेमेंट नहीं हुई, मुझे कार की और मेंटेनेंस की एंट्री करवा दो, छोड़ दे उसको। ये चीज मैं समझाना चाह रहे हो तो समझ लो। हाँ जी और दसो कोई। सर 1 मार्च को हम ये करेंगे कि पेमेंट सारी आ गई है, फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट 2.8 से, और अनअर्नड इनकम जो है वो क्रेडिट, फिर 30 जून को यार फिर छोड़ दे कि पेमेंट हुई है भाइयों, रुक जाओ रेवेन्यू और रुक जाओ भाई, छोड़ दो कि पेमेंट हुई है, छोड़ दो अनअर्नड दबा करो। सिंपल ये बताओ कि ये एलोकेशन है, इससे दोनों की एंट्री कैसे होनी ये बता दो बस। हूं गल समझी, सिर्फ ए करा दो। सर यही वाली 0.093 से रिसीवेबल और रेवेन्यू बुक कर लेंगे ईयर एंड पे। ओके और 3.8 बस। ये 0.9495 बन रहा है यार, यही होगी ना, ये होगी। अब चूंकि पैसे ले चुके हैं, रिसीवेबल नहीं होगा, लाइबिलिटी बनाई हो वो खत्म हो जाएगी, ये करेक्ट एंट्री है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है ओके सर। देखो देखो समझने के लिए देखो, ये ठीक है पहला स्टेप एलोकेशन, ये हो गया किसी को कंफ्यूजन, इससे मैं एंट्री करता हूँ ये रिसीवेबल कार का, रिसीवेबल मेंटेनेंस का। अब ये पूरे साल का है, इसको मैं 4 पे डिवाइड करूंगा, क्वार्टरली बेसिस यानी कि 4 महीने आ जाएंगे, 4 by 12। ठीक है yes. ये मेरी एंट्री होगी। अब मैं पैसे पहले ले चुका हूँ बैंक टू, चीज तो कोई नहीं दी थी लाइबिलिटी, जब yes. चीज डिलीवर हुई लाइबिलिटी खत्म होगी, दैट्स इट। यस अब उसने क्या किया, रेवेन्यू 1.2 मिलियन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, उसने क्या एंट्री की हुई है, उसने ये एंट्री की हुई है सिर्फ, क्या कहते हैं कर लेंगे करेक्ट एंट्री क्या नहीं कर सकते? जी सर कर लेंगे। तो चीज को सिंपल रखो कि मैंने एलोकेशन बनाई है एंट्री होनी, अब पीछे बैंक टू सीएल हुआ हुआ है, पैसे आ गए तो रिसीवेबल तो नहीं हो सकता, मेरी लायबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी बस। कैसे सवाल था ये जानलेवा, जानलेवा खुदा का खौफ कर, किसने टॉस जीता है? इस्लामाबाद चूज टू फील्ड ओके। हाँ जी रोमबस का सवाल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर इस सवाल में अभी तो हम डिस्कशन कर रहे थे, अगर हम फोकस करें तो जो अभी हमने पढ़ा, दो सवाल किए,
क्या उनसे उस डिस्कशन से ये हो सकते हैं? यस 100% जी सर। कोई आज तो आजम खान की बैटिंग देखने का मजा आएगा। क्या कहते हैं फिर, हो जाए रोम्बस? रोम्बस हो जाए? ये तो चिट्टा सवाल, काला सवाल। जी सर। मैं कहता हूँ खत्म कर देते हैं ना यार, अभी अभी पैटर्न बना हुआ है, कोई 4-5 ओवर आपके जाया हो जाएंगे तो कुछ नहीं होता। यस सर। मैंने भी तो आवाज बंद करके साथ लगाया हुआ है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। और आपको पता है कि मैं क्लास के बाद ही वो करूंगा, देखूंगा 7:30 तक का मार्जिन होता है, मैं 7:30 तक करके फिर मैं देखता हूँ। तो एक चीज खत्म हो सकती है, एक पैटर्न बना हुआ है, दो सिनेरियो इसमें। क्या है इसमें? दो सिनेरियो है। हाँ जी। अल्लाह, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी रोम्बस की? असल है कि जब मैं भी कल इसको करूंगा दोबारा, तो थोड़ा वो होता है, क्या कहते हैं, दोबारा पैटर्न बनाने में, दोबारा चीजों को। अभी 4 सिनेरियो उसमें कर लिए हैं, 1 सिनेरियो उसमें कर लिया है, 15-20 मिनट लगेंगे, आपको ज्यादा फायदा है। मेरे बस रात को 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, अभी जरा लहर बनी हुई है, सारा रेवेन्यू रिवाइज करवाया हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो बता दे, बंद कर देते हैं। सर करवा दे। नहीं मतलब बाकी में जितने स्टार्ट होनी है सर, वो 7:30 होगी, मेरी बात हुई भी उससे, 7:30 होगी मेरी क्लास के बाद। चलो जी, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्री। शुक्र है जी, सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री करनी है। सुख दा साल है वो, डेट क्या है, 31 अगस्त 2022। हाँ जी, 31 अगस्त 2022, 1 जुलाई को RL entered into contact with TL to sell 50 laptops. 50 laptops हैं, a total consideration of 10 million. Total 50 की total 10 है. 50% laptop would be delivered on 20 जुलाई को and balance on 15 अगस्त. डिलीवरी डेट हाईलाइट कर लें कहीं, क्या कहते हैं, 20 जुलाई देन 15 अगस्त, और टोटल कितने, 50 at 10 million। RL was unconditionally, ये अनकंडीशनली आ गया, रिसीवेबल डेबिट होगा, रिसीव्ड फुल पेमेंट अपॉन डिलीवरी ऑफ फर्स्ट लॉट ऑफ 25 लैपटॉप, ओके। However, TL paid full amount on 31 August. Okay. मजे का है। क्या कहते हैं, क्या होगा, चलो एक दो पढ़ लेते हैं। 7 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट वॉज मॉडिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ, अभी हमने पढ़ा, एडिशनल 30 लैपटॉप, जबरदस्त, 90 जबरदस्त, 30 लैपटॉप आर डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस, स्पेशल प्राइसेस पे, स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं करते, वाह। It was agreed that TL would pay 29 laptop के लिए payment करेगा instead of 30 laptop. Discount given की गई है, defect आया था और इसने September में balance settle किया। वाह सुभान अल्लाह। हाँ जी, कोई चीज है इसमें तंग करने वाली? पहले entry कब होगी और क्या होगी? क्या कहते हैं, क्या एंट्री होगी पहली? देखो देखो देखो, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 50 लैपटॉप देने, ऐसे ही है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट है? किधर चले गए हो, आवाज आ रही है? हेलो जी सर। जी सर, 50 लैपटॉप देने और अमाउंट है 10 मिलियन, राइट? जी सर। वो कहते हैं 50% लैपटॉप वुड बी डिलीवर्ड ऑन 20, ये डिलीवरी का टाइम है,
RL was unconditionally entitled to receive full payment upon delivery of first lot. First lot कब जाएगी? 20 जुलाई को. 20 जुलाई को एंट्री रिसीवेबल 10 से पूरी हो जाएगी. क्या कहते हैं? 10 मिलियन लेना ना मैंने उससे 20 जुलाई को. 20 वो कहता है जिस दिन पहले 25 लैपटॉप जाएंगे उस दिन अमाउंट आपकी रिसीवेबल आपका बन जाएगा. इसमें तो कोई मसला नहीं है. और क्या कहते हैं? जी सर. जी जी. ओके. कितना स्टॉक चला गया? पच्चीस 50% चला गया. वो रेवेन्यू है, बाकी लाइबिलिटी है. यहां तो कोई मसला. क्या कहते हैं? 20 जुलाई को आपकी इंटाइटलमेंट है पैसों की, सारे के सारे पैसे रिसीवेबल हो जाएंगे. ये उसने कहा है फुल पेमेंट. 10 रिसीवेबल, आपने 25 भेज दिए, उसका रेवेन्यू बुक हो जाएगा, बाकी लाइबिलिटी. कोई मसला है? अगर आप डेट्स लिख लें, एक काम हुआ 20 जुलाई को, एक 15 अगस्त को. हाउएवर पेड फुल अमाउंट 31 जुलाई को. 31 जुलाई को पेमेंट हो गई, सारी पेमेंट हो गई. क्या कहते हैं? डेट्स लिख लेना. 20 जुलाई को क्या हुआ, 31 को क्या हुआ, 15 अगस्त को क्या हुआ. या एक काम करें, पहले सारी डेट्स लिख लें, एंट्रीज छोड़ते हैं, क्योंकि उसने डेट्स आगे पीछे की हुई है ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है. क्या कहते हैं? लिख लें डेट्स, फिर गेम आसान हो सकती है. यार हाँ हूँ करो, नहीं तो फिर बंद कर देने हैं. साथ ही कर लेते हैं डेट्स के अलावा. नहीं, डेट्स अगर नहीं लिखे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. मैं आपको सही मशवरा दे रहा हूँ. 20 जुलाई को डिलीवरी है, एक ये डेट है, एक ये डेट है, ऐसे ही है. फिर 15/7 को भी डिलीवरी है. फिर उसने कहा 31 जुलाई को पेमेंट है. ये तीन यहां तक डेट्स आ गई. हाँ जी बताएं. जी सर. 7 अगस्त को फिर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ. डिलीवरी इसकी 25 अगस्त को है. 25 अगस्त को डिलीवरी है. 230 लैपटॉप डिस्टिंग डू नॉट, 29 लैपटॉप की पेमेंट करेगा. इसका मतलब 7 अगस्त को एक लैपटॉप का अमाउंट रिड्यूस करनी है जो लायबिलिटी बनाई थी. डिस्टिंक्ट है, ठीक है. बाकी फिर सितंबर में पेमेंट है. यही डेट्स हैं. इस पे किसी को इतराज? वन बाय वन शुरू हो जाए. अब गेम देखिएगा. 20 जुलाई को उसने कहा था जब पहली लॉट जाएगी, ये 20 जुलाई को. 31 जुलाई को पेमेंट आ गई, 31 जुलाई को. ऐसे ही है, ऐसे ही है. जी सर. ये डिलीवरी 15 अगस्त की है, पहले नंबर पे. दूसरे नंबर पे 7 अगस्त पहले आ रहा है. 7 अगस्त को उसने कहा एक के पैसे नहीं देने, एक के पैसे नहीं देने. अच्छा, अब 7 अगस्त पे हमें मॉडिफाइड प्राइस निकालनी पड़ेगी. कैसे निकालते थे? कितने रह गए हैं? 25 रह गए हैं. 19445. वो तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं. 25 की क्या प्राइस है? 5 मिलियन. 5 मिलियन, 125. और इनकी 30 की? 190,000 पर. वाह, ओ मिलियन ही दस रहे हैं ये. 190,000 दस रहे हैं. मल्टीप्लाई नहीं, 190 है ना. और यार ये इंडिविजुअल प्राइस बताएं अल्लाह के बंदो. 5 मिलियन तो टोटल है.
5.7 मिलियन. ये 0.2 है, ये 0.19 है, 5.7, 10.7, 55, 10.7, 55, कितना हो गया? 1945 पर यूनिट. ये क्या कहते हैं? ठीक है, अगली डेट क्या थी? 7 अगस्त. 7 अगस्त पे क्या होगी? लाइबिलिटी कम हो गई. क्या कहते हैं? नहीं, 7 अगस्त पे क्या हुआ है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोई पहले तो दसो जी सर. 7 अगस्त तक पहुंच गए. 7 अगस्त तक पहुंच गए. 7 अगस्त पे उसने कहा कि मैं पैसे नहीं मिलेंगे, तो 7 अगस्त को मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा ना, एक यूनिट का रेवेन्यू कम होगा. रेवेन्यू कम होगा कितने से? और मेरी लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी. रेवेन्यू कम होगा, लाइबिलिटी तो रहेगी ना एक ही यूनिट की. क्या कहते हैं? लाइबिलिटी तो है ना. हेलो जी सर. जी सर. ठीक है, अगली डेट क्या है? 15 अगस्त को डिलीवरी हुई. 15 अगस्त को कितने यूनिट्स गए? अब किस अमाउंट पे जाएगा रेवेन्यू? हाँ जी, 15 अगस्त को रेवेन्यू किस पे जाएगा? और 15 अगस्त को कितने यूनिट्स जाने हैं? 25 यूनिट्स. लाइबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट. 25 × 0.1945. ठीक है, 20 अगस्त को 25 जाने थे, 20 जुलाई को, और 15 अगस्त को 25 जाने थे. तीसरी डिलीवरी कब है? ये है 25 अगस्त को. अभी मैं 15 अगस्त पे पहुंचा हूं. डन हो गया चौथे नंबर पे. फिर उसके बाद 25 अगस्त को जाने हैं. हाँ जी, क्या कहते हैं? 25 अगस्त को भी डिलीवरी है. कितने लैपटॉप हैं बाकी? 1945. बाकी अगला काम सितंबर में है. बस खत्म हो गया पार्ट ए. जी क्या कहते हैं? ये जो डिस्काउंट की पीरियड है, एक बार दोबारा बताइए किसकी? जो कंपनसेशन दिया भाई, एक के मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं रेवेन्यू कम कर दूंगा एक का. सिंपल सी बात है, लेकिन मेरी लाइबिलिटी है उसको, उस लैपटॉप को देना. मुझे पैसे 29 के मिलेंगे, मैंने लैपटॉप तो 30 ही देने हैं. वो लाइबिलिटी तो रहेगी ना, वो तो नहीं कम होगी कि वो कम हो जाएगी? रेवेन्यू कम होगा लेकिन लाइबिलिटी तो एक ही है ना. जब मैं 25 अगस्त को डिलीवर करूंगा, जितनी मेरी लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी. अगर लाइबिलिटी से अमाउंट ऊपर है तो वो रिसीवेबल में चली जाएगी. साफ करके लिख दूं कि डन है भाई. सब में गेम थी डेट्स की. आपने डेट वाइज लिख लिया तो गेम आसान हो जाते मेरे ख्याल में. क्या कहते हैं? जी सर. जरा मुझे डिस्काउंट कंफ्यूज करने के लिए लिखा था इसने. नहीं, डिस्काउंट दिया ना एक यूनिट का, एक यूनिट के पैसे नहीं लिए उसने. जी जी, वो तो बाद में सेटल हो जाएगा ना. ठीक है जी. कासिम अहमद अवैस हसन. ठीक है, पहले पार्ट में कोई कंफ्यूजन? इस सवाल में क्या था? उसने डेट्स यूं की हुई थी बस, और कुछ भी नहीं. अगर आप सिर्फ डेट वाइज लिख लें, इस दिन डिलीवरी, इस दिन पैसे, इस दिन डिलीवरी, इस दिन पैसे, बस इसमें और कुछ नहीं है. मतलब एलोकेशन आप कर लेंगे, मॉडिफाइड है बस. इसके बाद जो डिलीवरी होगी, मॉडिफिकेशन के बाद, उस दिन नए रेट से डिलीवरी होगी बस. तो इसमें डेट्स थी बस. क्या कहते हैं? ठीक है,
सर ये जो मॉडिफिकेशन है हुई है इसमें सर, इसमें हमने जो हमारी प्राइस आई है बाद में जो कम मॉडिफिकेशन के बाद वो हमने ली है, इनके सर अगर मॉडिफिकेशन नहीं होती तो फिर, और अगर इसमें स्पेसिफाई भी नहीं किया होता कि हमने किस प्रोडक्ट से कॉम्पनसेशन, स्पेसिफाई तो करेगा ना यार, ऐसे तो ना करे यार, इधर मैं एक्सेप्शनल केस। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर स्पेसिफाई ना करता तो भैया ना, पहले उसने भी बताया हुआ है कि जो 25-20 जुलाई को लौट गई थी ना उसमें डिफेक्ट आया, तो पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट से होगा, ठीक हो गया सर। जो 20 जुलाई को पहले लौट गए थे ना, ये देखो, अंडरस्टूड सर, 20 जुलाई और 15 अगस्त, तो इसमें जो लौट गई थी इसमें डिफेक्ट आया, तो पिछले कॉन्ट्रैक्ट में से फिर ही होना। और कोई सवाल यहाँ पे? हाँ जी, अगले पार्ट पे चलो। जस्ट है चलो जी। ऑन 1st January 2022 RL entered into contract with Krishan 10 units of state of art 3D printer, 10 units हैं, चलो जो भी आंसर निकलेगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इग्नोर कर देते हैं। 3D printer cost and stand alone prices लें जी। ओए होए, ये बड़ा मजे का, इसमें एक मजे का कॉन्सेप्ट है, ये देखो, इसका बेनिफिट एक साथ लेना है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंगल है, हुन समझ आई कोई गल? एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये है, दोनों मिला के एक ही है, एक ही है, कितने पीओज हैं? तीन पीओज हैं। पैसे नहीं बताया उसने पैकेज के, चलो देखते हैं। RL sells 3D printer hardware along with software cannot be used without, ये उसने लाइन भी बता दी जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है, आपकी कंफ्यूजन का आंसर भी हो गया। 3D printer ICAP ने बता दिया, तो अब आपको यकीन है क्या? मेरी बात पे तो यकीन नहीं आ रहा था। 3D printer remain functional without software upgrade, software upgrade, okay, and maintenance contract, इसलिए ये अलग है, ये अलग है। RL sell software upgrade upon release, जब release होता है, okay, however RL does not provide maintenance supports but went against its policies to provide, ठीक है जी। Each unit of printer was sold to at overall discounted price 4 million, पैकेज प्राइस दे दी उसने 4 million को, हम करें तो 4000 बनेगा। मेरे पास 3D प्रिंटर है, मेरे पास सॉफ्टवेयर है अपग्रेड वाला, और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तीन चीजें हैं। अच्छा, इसकी प्राइस गिवन है, अरे यार, स्टैंड अलोन प्राइस कितनी है? 3600, इसकी 500, इसकी, इसका नॉट एन ए लगा हुआ है, ओके। क्या था तरीका, क्या था मिसिंग ढूंढने का, याद है? अपग्रेड, एसएपी, एलोकेशन और इन टाइम ओवर टाइम रेवेन्यू। एज पर पेमेंट टर्म सीएल पेड 30% एंड 1st January एंड 50% वाज पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रिंटर ऑन 1 March, रिमेनिंग 20% विल बी पेड इन February 23, ठीक है। एट द एंड 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड ऑन द न्यू वर्जन, ये कंप्लीट नहीं हुआ अक्टूबर तक, हम खड़े अगस्त तक। हाँ जी, सबसे पहला काम इसकी स्टैंड अलोन प्राइस निकालें, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है 210, सेलिंग प्राइस क्या बनेगी? कोई इंफॉर्मेशन गिवन है कैसे निकालें? कॉस्ट के ऊपर कर सकते हैं नहीं, सेलिंग प्राइस है। अच्छा, 3600 सेलिंग प्राइस लिखी, 500 सेलिंग प्राइस लिखी, दूजी तुसी कॉस्ट लेनी, वेरी गुड, 3600 यूनिट प्राइस, ठीक हो गया सर। क्या तीन अप्रोचेस थी? नंबर वन, रेजिडुअल वैल्यू दो की दी हुई है और तीनों की टोटल दी होती तो निकाल सकते थे, ओके, वो नहीं है। मार्केट असेसमेंट अप्रोच भी नहीं है, तो मार्कअप मार्जिन का लगा लें, इसका देख लें कितना परसेंट प्रॉफिट लिया, इसका देख लें कितना परसेंट प्रॉफिट लिया, कितना प्रॉफिट लिया है निकालो जरा, कितने परसेंट है, या 2520
सर यहाँ पे बताया भी नहीं हुआ कि मार्कअप है कि मार्जिन है। भाई आप तीन आपके पास अप्रोचेस हैं, कॉस्ट प्लस ले लें, कॉस्ट पे प्रॉफिट ले लें, मार्कअप ले लें। कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट चार्ज किया हुआ है, दोनों का देखें कितने परसेंट है, दोनों पे ट्राई कर लेते हैं ना। ये 30% है, 100% है, पहले हार्ड भी 30% है, कॉस्ट के ऊपर 30% ले रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट का 30% ले लें, 63। हाँ जी क्या कहते हैं, कितना बन गया? अरे एक सेकंड, ये जो फर्स्ट वन है तो इसमें अगर कॉस्ट में लेंगे तो सर ये 100% आएगा, देखे ना 3600 यूनिट प्राइस और 1800 कॉस्ट है, सर इसको डिफरेंस दोनों है, दोनों है, दोनों है, तो दोनों का मिला गया सर। हाँ जी 30% कितनी बनेगी कॉस्ट, इसका मतलब ये 210 70% है, 300 आ गई जी, समझ नहीं है इस चीज की। भाई एक मिनट, एलोकेशन में जो फिगर मिसिंग होती है उसको कैसे कैसे ढूंढते हैं, क्या मार्केट असेसमेंट वैल्यू है, इस तरह की मिलती जुलती चीज की कीमत इतने में बिकती है वो? नो सर, नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू क्या था, मार्केट वाली वैल्यू नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं है, या तो वो इन तीनों का टोटल सेलिंग प्राइस दे देता, मतलब 3600 की है, 500 की है, टोटल इतने में बेचते तो हम रेजिडुअल भी निकाले तो वो भी नहीं है, तो फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही आएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमेशा प्रेफरेंस में रखना है। अब ये 230% यानी कि देखो ना, ये 30% बढ़ गई, 30% ज्यादा पे है ना, इसका मतलब ये 70% पे पड़ी हुई है, ये 70 से 100 पे गई है, क्या कहते हैं, तो ये 70 पे डिवाइड करो तो 300 आ गया, आउट हो गया बाबा राजन, एक कोई आउट हो गया, मैं सवाल करा के देखूंगा। हाँ जी एक मिनट, हाँ जी भाई ठीक है, 300 आ गया, 300 पे किसी को एतराज है? ये जो दोस्त यार, अगर ये 100% है और ये 70% है तो इधर 100% नहीं, इधर 70% है, 100% कर दो, इसका 70% नहीं ना आ रहा, 700 प्लस 720। अब भाई एक, ये मैंने हल तो किया हुआ है, ये क्या है, ओ भाई एक मिनट एक मिनट, 1800 जमा 720 ये कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस 3600, 3600 में से कॉस्ट निकाले तो प्रॉफिट कितना है, 1080 डिवाइड करो 3600 पे तो 30% प्रॉफिट है, इसका मतलब ये 70% है, ये दोनों 70% है, तो ये तीसरी भी 70% है, फिर फोन ठीक है? ओके सर, ओके जी सर। हाँ जी एलोकेशन करवाए, जल्दी से बता, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी करो, मैच निकल रहा है, बड़ा कांटेदार मैच है, शर्जील खान की बैटिंग विकनी, दिल ना खराब कर, अभी मेरा 5 मिनट सवाल रह गया भाई, 7:30 होने वाले हैं, क्लास भी है, जल्दी बताओ पहले का क्या आंसर है, ये टोटल हो गया 36, 47, 44। हाँ जी कितना है, 3273 सर, पहले का, दूसरे का, दूसरे का है 455, तीसरे का 273। मजे की बात बताऊं, सिर्फ यही मुश्किल पॉइंट है, बाकी तो गेम सीधी है, पहले पेमेंट होगी, बाद में पेमेंट होगी, 3D प्रिंटर एट द स्पॉट है, और मेंटेनेंस ओवर द टर्म है, क्या ख्याल है, बाकी कोई मुश्किल है आपके सामने? अच्छा ये एक चीज मैं बता दूं, उसने कहा था रिलीज के ऊपर ये मिलेगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका रेवेन्यू तो बुक ही नहीं होना, सॉफ्टवेयर उसने कहा था अपॉन सॉफ्टवेयर अपग्रेड, ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड है,
ये रिलीज पे मिलेगा, अभी ये बना नहीं है तो रिलीज नहीं हुआ। इसका मतलब 3D प्रिंटर एट द स्पॉट डिलीवर होगा, रेवेन्यू बुक हो जाएगा। जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसका टाइम लैप्स होगा तो रेवेन्यू बुक हो जाएगा। अगर पैसे पहले पकड़े हुए तो लाइबिलिटी डेबिट हो गया रेवेन्यू, पैसे नहीं पकड़े हुए तो रिसीवेबल टू रेवेन्यू। दैट्स इट। जी भाइयों, ये सर डन है। डन है लो जी भाई, रेवेन्यू सर प्लीज लास्ट वाला दोबारा बता दे। सर ये प्लीज लास्ट वाला दोबारा बता दीजिए। सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बारे में उसने कहा था कि हर दफा जब नया रिलीज होता है तो तब वो मिलता है, वो बना ही नहीं है। अक्टूबर में बनेगा, हम अगस्त में अपना ईयर एंड खत्म कर चुके हैं। इंग्लिश अगर आप पढ़ें, सेल्स सॉफ्टवेयर अपग्रेड अपॉन रिलीज टू ऑल ऑफ इट्स कस्टमर, तो अभी 80% है, वो बना नहीं है और वो साल खत्म होने तक नहीं बना। जी तो डन हो गया। क्या क्या ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका? एंट्री नहीं करेंगे रेवेन्यू की। ट्रीटमेंट क्या मतलब? ट्रीटमेंट एंट्री करनी है ना। जब वो डिलीवर ही नहीं हुआ, मैंने क्या कहा था, इन टाइम या ओवर टाइम। सॉफ्टवेयर डिलीवर होता तो रेवेन्यू बुक होता, तो वो डिलीवर नहीं हुआ, रेवेन्यू बुक नहीं होगा। 3D प्रिंटर डिलीवर हो गया, रेवेन्यू बुक हो जाएगा। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जितने टाइम गुजर गया उसका रेवेन्यू बुक हो जाएगा। डिलीवर होएगा तो कोई रिसीवेबल बनेगा। यस, कैश आपने पहले ले लिया तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, जैसे ऊपर किया था लायबिलिटी बन गई, फिर कैश आ गया तो रिसीवेबल डेबिट नहीं हुआ, लायबिलिटी डेबिट हो गई। इसमें जो मेन पॉइंट्स है ना, वो ये 300 ढूंढना था और ये रिलीज वाले की एंट्री नहीं करनी थी, बस। बाकी तो आसान है, तीनों आपने सेग्रीगेट कर लिए, इन टाइम ओवर टाइम देखें, पैसे पहले ले लिए तो लायबिलिटी, पैसे नहीं लिए तो रिसीवेबल। क्या ख्याल है? ये देखे ना, कैश ठीक है, देखो कैश पहले ले लिए, जल्दी जल्दी इसको देख लेते ना, कैश पहले ले लिए, कैश टू लायबिलिटी है, फिर कैश ले लिए, जितनी लायबिलिटी थी वो चलेगी, बाकी ये डिलीवर हो गया और उसके बाद ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम के हिसाब से। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है जी सर, ओके हो गया। चलो जी, मैं ये एंट्री नहीं करवा सका, उसके लिए माजरत। एक तो मुझे वॉशरूम आया हुआ है, फिर आगे से क्लास भी खत्म होने वाली, अगली शुरू होने वाली है। तो हमने आज व्हाट हैव वी डन, व्हाट हैव वी कवर टुडे। आए चलो फिर मुका लिए ना एक दफा बंजन, रेवेन्यू का जो टारगेट था हमने पूरा रेवेन्यू कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल किए, ठीक है, सारी डिस्कशन कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल के साथ। क्या हमने ये दोनों पास पेपर किए? जी सर, ये भी और ये भी। जी सर, हमने कल के टारगेट का भी सवाल कर लिया है। जी सर, तो आप ये सोचें कि एक मिनट भाई, ये मैंने पीछे इशारे करी जा रहे हैं, वाटर शॉट। अब इफ्रिक वन है, डेफर टैक्स है और इसके दो सवाल हैं, तो आधा सेशन मैंने कवर कर दिया, तो कल और परसों में ये मैं खत्म कर दूंगा, संडे भी बचा लेंगे, ठीक है? संडे यूज करके एक्स्ट्रा सवाल करा दीजिएगा। हाँ, मैं तेनू आके ना सारे 70 सवाल करा जाना। और पहला पहला होता है, उस्ताद को घेरू पसे पता कैसे डालते हैं, जो उस्ताद ने कमिट किया हुआ पहले उसको उस पे फंसाते हैं, सारा करा दे तुसी किया थे सी, असी ते वेख के आए सी, पहले वो करते हैं, पहले ये कर लो। देखो यहां तक सब कुछ करवाया, डे 7 डे 8 हाफ तक कर दिया सब जो ऊपर कमिटेड था। बेहतरीन सर। कल इफ्रिक 1 करेंगे, टैक्स की डिस्कशन करेंगे, फिर टैक्स का एक दो सवाल है वो कर लेंगे, गल मुक जाएगी। पहले ये जान छूट जाए रवियन से, कंप्लीट हो जाए, जो एक टीचर की तरफ से कॉलेज की तरफ से कमिटमेंट है पहले वो पूरी हो जाए, फिर उसके बाद जो है ना आगे वाले देख लेंगे। जी सर, डन। तो ये जेन्युइनली बहुत अच्छा समझ आया। तीनों सवाल आज इसीलिए करवाए हैं, ताजा ताजा चीज समझी हुई थी, और आप ये देखें कि लास्ट 3 क्वेश्चन सबसे रिसेंट ऑटम 22, फिर उससे पीछे ये ऑटम 22, उससे पीछे वाला स्प्रिंग 21, फिर ऑटम 21, जो आखिरी 3 लेटेस्ट वाले हैं वो करवाए हैं। अगर आप सिर्फ ये देखें, सिर्फ कहीं इंग्लिश में ऊपर नीचे फंसे हम, क्या इन सब में जो चीजें थी हमने की हुई?
जी सर, जैसे अब 300 निकालना, अब ये तो मैथमेटिक्स में फंस गए। जी सर ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज ऐसी थी जो हमने नहीं उसमें डिस्कशन में, हमने जो एक घंटे सवा घंटे की डिस्कशन की उसमें सब कवर किया है और हमारा सारा तीनों सवाल भी हुए हैं। अगर सबसे लेटेस्ट 3 सवाल अटेम्प्ट हो गए हैं तो फिर मेरे ख्याल में हमने सही पढ़ लिया, क्या कहते हैं? बेहतरीन पढ़ा सर। तो हमारे अब 3 सेशन नहीं, कितने, अढ़ाई दिन, अढ़ाई अढ़ाई दिन रह गए ठीक है रवीन के। जी सर इंशाल्लाह जी फिर मिलते हैं कल, सलाम अलैकुम। ठीक है।